अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं होलसेल कोर्स सिखाने वाला हूँ, स्लाइड्स के थ्रू नहीं, आपको कंप्लीट सारा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अमेजोन के ऊपर होलसेल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके, आपको कोई और कोर्स सीखने की जरूरत नहीं होगी, आपको हर चीज इसमें सिखाई जाएगी। कि 2024 में जो न्यू पॉलिसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको अमेजोन के ऊपर काम करना है, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, आपको किस टाइप का प्रोडक्ट लगाना है, आप कैसे पैसे बना सकते हो अमेजोन से, कितना परसेंटेज या कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आरओआई, कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो, इस वीडियो में सारा मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप मेरा देख लो, मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा अमेजोन का स्टोर है, ठीक है। इस वक्त मैं आपको अगर इस अकाउंट की अपनी सेल दिखाऊं टोटल, तो मेरी आप सेल आप देख सकते हो। अगर मैं 2024 की आपको सेल दिखाऊं, यकम जनवरी से लेकर आज की डेट की 3 महीने आज पूरे हो चुके हैं, तो ये मेरी सेल है टोटल, ठीक है, 4,08,000 डॉलर की सेल है, और तकरीबन 11,000 प्लस मैं ऑर्डर इसके ऊपर ले चुका हूँ। दिस इज टोटली अमेजोन होलसेल एफबीए, नॉट आर्बिट्राज, नॉट ड्रॉप शिपिंग, नॉट पीएल, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल नॉट फेक। अगर मैं आपको यकम जनवरी 2023 से दो आज तक की सेल दिखा दूं, मतलब के 1 साल 2-3 महीने ऊपर आप लगा लो, यकम जनवरी 2023 से आज तक की सेल अगर मैं आपको दिखाऊं इस अकाउंट के ऊपर, तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब करीब होने वाली है। आई होप के 10 अप्रैल तक ये मेरी तकरीबन 12 या 13 या 14 महीनों की जो सेल है 1 मिलियन प्लस हो जाएगी, और ये टोटल जो है ये होलसेल है प्योर। अब मैं करता कैसे हूँ, मैं कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस काबिल हो जाओगे कि आपको अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लगाना, प्रोडक्ट हंट करना, रिसर्च करना, अमेजोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, सिक्योर वे में आपको कभी भी कोई वायलेशन नहीं आएगी। अगर आप ही जाते हो तो आप उसको चुटकियों में आप उसको सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैं कैसे करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। ये सारे मैंने आउटलाइन लिख लिख रखे हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, कंप्लीट कोर्स है। होलसेल में प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया क्या है, ये सिर्फ 5 मिनट की कहानी है। प्रोडक्ट यूनिक, आप यूनिक होलसेलर कैसे फाइंड करोगे, 7 से 8 मिनट की कहानी है। सेलर स्नैपिंग मेथड क्या है, मैं ज्यादा प्रोडक्ट रिसर्च करता कैसे हूँ, मैं आपको इस वीडियो में आपको लाइव अच्छे ब्रांड्स निकाल कर दिखाऊंगा, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल कर दिखाऊंगा, उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, आपको लिस्ट करके दिखाऊंगा, आपको उसकी इनवाइसेस दिखाऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है, अनगेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाती है। अगर आपके अकाउंट के ऊपर 5,000 यूनिट अवेलेबल है, 10,000 यूनिट अवेलेबल है, 500 है, 200 है, आपने जितनी भी इन्वेंट्री बाय की है, 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आपको सारी सेल करनी कैसे है, और आपको एक स्टेबल वे में प्रॉफिट कैसे कमाना है, उसके बाद अकाउंट हेल्थ मैनेज कैसे करनी है, सबसे मुश्किल काम ये है, इसके ऊपर हम 20 मिनट में बात कंप्लीट करेंगे। तकरीबन हमारा ये लेक्चर 50 या 60 मिनट का होने वाला है। एक एक घंटे के अंदर अंदर आप सीख जाओगे कि अमेजोन के ऊपर 2024 में, 2025 में अमेजोन के ऊपर बिजनेस कैसे किया जाएगा। मैं 2023 की बात नहीं कर रहा, वो बात चली गई, रात गई, बात गई, अब नई कहानी शुरू होने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाने वाला था कितने ऑर्डर्स मैं इसके ऊपर सेल कर चुका हूँ, कितने ऑर्डर्स मैं इसके ऊपर लगा चुका हूँ। दिस इज टोटली एफपीए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ व्यू सेलर फुलफिल्ड, तो ये मेरे ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स नजर आएंगे। अगर मैं एफपीए के ऊपर क्लिक करूंगा तो सारे एफपीए के ऑर्डर्स हैं जो आपके सामने। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने कितना सेल किया है, तो यहाँ पर मैं आपको 1 साल का इसका डाटा दिखा सकता हूँ। लास्ट 365 डेज में कितने प्रोडक्ट्स मैंने सेल किए, 10,000+ यूनिट्स में ऑर्डर इसके डिस्पैच कर चुका हूँ। दिस इज टोटली एफपीए। आप देख सकते हो मैं प्रोडक्ट छुपा नहीं रहा आपके सामने, आपको मैं सारे दिखा सकता हूँ। नीचे तक अगर मैं जाता हूँ तो आपको मल्टीपल लिस्टिंग नजर आती है, अगर मैं आखिरी पेज पे जाता हूँ तो भी आपको सेम प्रोडक्ट नजर आएंगे जो कि 1 महीना पहले मैं बेच चुका हूँ, आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले आपको सेम ब्रांड नजर आएंगे, और मैं सेम ब्रांड्स 1 महीने में हर एक ब्रांड का 200-400 यूनिट इजीली निकाल लेता हूँ। तो आप इन ब्रांड्स तक रसाई कैसे हासिल करोगे, अपने अकाउंट पे कैसे लगाओगे, सिक्योर वे में आप कैसे सेल करोगे, हम अपना लेक्चर यहाँ से स्टार्टअप करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 1 पे है होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, मैं किस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करता हूँ और नए नए अकाउंट्स के ऊपर उनको लगा लेता हूँ, क्या तरीकाकार है, ठीक है। इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, आपको मैं सारा सिखाऊंगा, कोई चीज अगर ना हुई तो हम उसे लाजमी कवर करेंगे। अच्छा, होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, क्राइटेरिया क्या है, अभी मैं आपके सामने अपने ही अकाउंट से एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूँ, और आपको मैं क्राइटेरिया समझाता हूँ कि होलसेल का जो प्रोडक्ट होता है वो कौन से वाला होता है और उसका क्राइटेरिया क्या है। वो यूनिक प्रोडक्ट हम लोग किसे कहते हैं,
आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स अमेजोन पे देख चुके होंगे। मैं उन सब प्रोडक्ट्स को जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, मैं उनको काउंटरफेटेड एक कैटेगरी है उसमें काउंट करता हूँ, मतलब कि फेक कैटेगरी में उनको मैं काउंट करता हूँ। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि वो फेक कैसे हैं। आज से 2023 में, 2024 में हमने जो प्रोडक्ट्स बेचे, अभी क्राइटेरिया क्या है, हर 1 या 2 महीने के बाद चेंज होता है। अमेजोन अपनी पॉलिसीज को अपग्रेड करता है। अब 2024 की जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग जो नया क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मेरा अकाउंट आपने देखा होगा इस वक्त रिस्क लेवल पे है, और इसकी अगर मैं आपको रेटिंग वगैरह दिखाऊं तो रेटिंग भी इसकी 482 है। मतलब इसकी जो रेटिंग पहले थी वो 500 प्लस थी। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके ऊपर वायलेशंस आई हुई है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में आपको कभी भी अमेजोन परमानेंटली बैन नहीं करता, आपको दोबारा से रिएक्टिवेट कर देता है। अकाउंट मेरा देख सकते हो आप रिस्क लेवल पे है, रिस्क लेवल पे अकाउंट है। इसकी रेटिंग आप देख सकते हो, जो नया अकाउंट होता है 200 प्लस होती है, और उसके बाद जैसे जैसे वो सेल ग्रैब करता जाता है उसकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग बढ़ती जाती है 400, 500, 600 तक, ठीक है, जो इनकम कहते हैं बड़े अकाउंट्स। आप यही वाली चीज नए अकाउंट के ऊपर इजीली स्टार्टअप कर सकोगे इस कोर्स को देखने के बाद, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। जो नए अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर अगर आपको छोटी मोटी वायलेशन लग जाती है, 2-3 वायलेशन लग गई, आपने आर्बिट्राज का कोई गंदा काउंटरफिटेड प्रोडक्ट आपने सेल किया जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, आपका अकाउंट सेक्शन 3 में सस्पेंड हो जाता है, आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है। लेकिन आप अगर इस मेथड को फॉलो करोगे, मैं आपको 70 से 80% गारंटी देता हूँ आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अगर इन केस कभी आपके अकाउंट पे रिस्क आता भी है तो आप एक इनवॉइस दोगे और आपका अकाउंट दोबारा से नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। अच्छा चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। मैं यहाँ से 2-4 प्रोडक्ट्स ओपन कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैं सेल कर रहा हूँ उनके ऊपर क्राइटेरिया क्या फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो क्राइटेरिया मैं समझाने वाला हूँ उसको आप नोट कीजिएगा। अब ये एक ब्रांड है, ठीक है, इसका नाम टिलबरी, टिलबरी या टिलबरी जो भी है, एयर ब्रश है, ठीक है, ये नीचे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। लोग क्या क्राइटेरिया में क्या चीज शामिल करते हैं कि इसका BSR कम होना चाहिए, इसकी सेल इतनी होनी चाहिए। मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इस चीज को मानता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट, जो ब्रांड का प्रोडक्ट होगा ना, उसके पिक्चर्स में हर चीज आपको नजर आएगी। पहले नंबर पे पिक्चर देख रहे हो, दूसरे नंबर पे देख रहे हो इसमें क्या कुछ ऐड किया गया है, अल्कोहल फ्री ऑयल है, विदाउट पेरेबेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे उसका सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहा है, सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट क्या चीज है। ये अगर देखा जाए, ये आपको प्रोडक्ट की जो मतलब कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या आते हैं, जो ओरिजिनल ब्रांड होगा वो हर चीज अपनी 7 पिक्चर्स के अंदर अंदर एक्सप्लेन कर देगा। कस्टमर को ये चीज रीड करने की जरूरत नहीं होगी, अबाउट दिस आइटम, कस्टमर को इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करने की कतई जरूरत नहीं है। कस्टमर क्या करेगा, आएगा, पिक्चर्स देखेगा, बाय करेगा, जाएगा। दिस इज कॉल्ड होलसेल प्रोडक्ट। जो ऑफिशियली होलसेल ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा उसकी कभी भी आप पिक्चर देख लो, कभी भी 2 नंबर नहीं होंगी, अच्छी उसकी जो है ना वो फोटोग्राफी की होगी। उसका जो टाइटल है वो 4 या 5 लाइनों का नहीं होगा, सिंपल 1 या 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया ऐड कर लो अपने, लिखते जाओ। उसके बाद आपका जो रेटिंग है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप जा रहे हो उसकी रेटिंग 500 प्लस होनी चाहिए, उसकी रेटिंग 5 स्टार प्लस, 4.5 स्टार प्लस हो, और उसके जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो आपने सारे रीड कर लेने हैं, ठीक है, कि इसके ऊपर कितने नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या इसके ऊपर कंप्लेन आ रही है। जब आप लोग ये रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या खामी हो सकती है। जब आप बाय करोगे ना, मैं जब बाय करता हूँ अपने प्रोडक्ट से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करता हूँ, मैं प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करता हूँ। टेस्टिंग कैसे करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से पहले 5 यूनिट उठाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अमेजोन से उठाता हूँ। अमेजोन के ऊपर जो मुझे हाई रेटिंग वाली लिस्टिंग नजर आती है, 1 यूनिट वहां से ऑर्डर करता हूँ, 1 यूनिट मैं ऑर्डर करता हूँ वॉलमार्ट से हाई रेटिंग वाली लिस्टिंग से, उसके बाद 1 यूनिट मैं ऑर्डर करता हूँ ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से, फिर हम सारी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा होता है, वॉलमार्ट से, अमेजोन से उठा होता है, उनको टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन 3 दिन उसकी टेस्टिंग होती है, समटाइम्स हम लैब में भी भेज देते हैं कि इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाए कि इसमें कोई काउंटरफेटेड या मतलब कि 2 नंबर कोई चीज तो शामिल नहीं किया गया इसमें जो नुकसानदेह हो। अब नुकसान क्या हो रहा है, अभी देखो, ग्रेट प्रोडक्ट बट नॉट फॉर द प्राइस, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, वाज नॉट वर्थ फॉर दी हाइप, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, नॉट वर्थ इट, ठीक है। अब इन सारे फीडबैक्स को रीड करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हम जिस बंदे से प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हैं क्या वो बंदा ऑथेंटिक है। अगर तो वो बंदा ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रहा है, टेस्टिंग के बाद हमें समझ लग जाती है। हम एक प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटर, पहला डिस्ट्रीब्यूटर या पहला ब्रांड ही चूज नहीं कर लेते, हम 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं, उनमें से जो बंदा हमें ऑथेंटिक लगता है हम उसका बाय करते हैं, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी भी
ऐसे ब्रांड से जिसने हमें पहले झटके में अप्रूवल दे दिया हम उससे बाय करें, नहीं, उसका प्रोडक्ट फेक होगा। चाइनीज प्रोडक्ट होलसेल के लिए नहीं होता, चाइनीज प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल के लिए या आर्बिट्राज के लिए होता है। अमेजोन होलसेल के लिए प्रोडक्ट जो होगा वो पूरी दुनिया में आप देख लो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ डेयरी मिल्क एक ब्रांड है, डेयरी मिल्क एक ब्रांड है, आप दुनिया में किसी भी मार्ट से आप लोगे आपको सेम प्राइस पे मिलेगा। आप किट कैट चॉकलेट है, ठीक है, आप ये पूरी दुनिया में किसी भी ब्रांड किसी भी मार्ट से लो आपको सेम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल यानी कि ब्रांड्स की वेरिएशन आ जाती हैं, ब्रांड्स के नाम आ जाते हैं, उनमें मल्टीपल लिस्टिंग्स आ जाती हैं। पूरी दुनिया में यूनिक जो ब्रांड होगा, यूनिक जो प्रोडक्ट होगा, उसकी प्राइस में कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता वो ब्रांड। अगर कोई रिटेलर उसको बनाकर बेच रहा होगा ना कम प्राइस के ऊपर, तो वो फेक होगा। अमेजोन के ऊपर जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या चीज चेक करता हूँ कि ये 2 नंबर तो नहीं है, मुझे कैसे आइडिया होता है? एक तो मैं उसकी टेस्टिंग करवाता हूँ, टेस्टिंग से पहले पहले मुझे उसका आइडिया कैसे होता है देखिएगा। अब ये मेरे पास एक टूल है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये आपको मिलता है $35 का, आप ये लाजमी लीजिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। अब मैं अगर इस ब्रांड की टेस्टिंग करना चाहूँ ऑनलाइन कि ये ब्रांड ऑथेंटिक है, ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक बिक रहा है अमेजोन के ऊपर, ये 2 नंबर है, कहाँ कहाँ कैसे मुझे आइडिया होगा? देखिएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर जैसे मैं आऊंगा, ये रेड कलर का अलर्ट का नोट आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर मेरा इस टाइम माउस है, ये मैं बता रहा है हाई रिस्क प्रोडक्ट। हाई रिस्क कैसे है, इसके ऊपर कंडीशन क्लेम आया 2024 में, हम लोग देखते हैं 6 महीने का ट्रेंड देखते हैं प्रोडक्ट का कि उसमें कोई क्लेम तो नहीं है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। अब 2022 में इसके ऊपर प्रोडक्ट यानी कि रिस्ट्रिक्शन आई है, मतलब कि रिस्की प्रोडक्ट कहलाया गया 2022 में, 2023 में कोई वायोलेशन नहीं आई, 2024 में ये तीसरे महीने में, और वो भी ये मेरे अपने अकाउंट के ऊपर आई है। क्यों? क्योंकि मुझे एक इसके ऊपर कंप्लेन रिसीव हुई कि रॉन्ग आइटम आया, ये उसकी वजह से यहाँ पर 2024 में दिखा रहा है, वरना पिछले 1.5 साल में इसके ऊपर कोई वायोलेशन नहीं है अभी तक देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पिछले 6 महीने में वायोलेशन आ रही है, इन ऑथेंटिसिटी आ रही है, या IP वायोलेशन आ रही है, या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायोलेशन आ रही है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेकार है, आप उसको कभी भी चूज नहीं करोगे। अगर आप चूज करोगे तो आपको भी वो वायलेशन आएगी, आपका अकाउंट फारिग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फारिग हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर पिछले 6 महीने में कोई वायलेशन नहीं थी, मैंने इसको चूज कर लिया, मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, आगे मैं इसको कैसे बेच रहा हूँ, कितना पैसा बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मैं सारा दिखाऊंगा। और आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करने आ गया तो समझो आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट एनालिसिस करना इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिएगा। अब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा ना, ओरिजिनल जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा वो आपको हमेशा IP वायलेशन सेंड करेगा, लिख लो। जो ब्रांड 2 नंबर प्रोडक्ट बिक रहा होगा अमेजोन के ऊपर, जो ब्रांड होगा ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर लो लेमन का प्रोडक्ट मैंने ओपन किया हुआ है, अब ये ब्रांड अमेजोन के ऊपर 80% इनऑथेंटिसिटी में मल्टीपल अकाउंट्स को बंद करवा चुका है। कैसे, ये देखो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया 2023 10 तारीख, 10वां महीना 20 तारीख को इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी कंप्लेन। आप नीचे तक जाओगे आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी 4थे महीने में, 5वें महीने में, 6ठे महीने में नजर आ रहा है 2023 में, देख रहे हो। इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ज्यादा ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि मल्टीपल सेलर ने इस प्रोडक्ट को चाइना से बाय किया, चाइना से बाय करने के बाद अमेजोन पे बेचा तो उसको कंडीशन क्लेम लगी, ऑथेंटिसिटी क्लेम लगी, और उनका अकाउंट उड़ गया, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो फेक होता है, उसको मैं काउंटरफीटेड प्रोडक्ट्स में गिनता हूँ। ऐसा प्रोडक्ट हमें अमेजोन पे नहीं बेचना, ऐसे लिस्टिंग की तरफ हमें जाना ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, ये मैं सेल नहीं कर रहा, ये आपको कहाँ से मिल रहा है? चाइना से मिल रहा है। अगर आप 100 पीसेस लेते हो इसके, आपको 13.95 डॉलर में 1 यूनिट मिलेगा, और ये आपको पिक पैक शिपिंग आपको साथ देंगे हर चीज, ठीक है। और ये काउंटरफीटेड प्रोडक्ट्स में आता है, जो कि ब्रांड के टैग के अलावा, ब्रांड अप्रूवल के बगैर आप लेते हो, या ब्रांड की इनवाइस के बगैर आप लेते हो, आपका प्रोडक्ट फारिग होता है। वो ब्रांड इनवाइस के बगैर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अमेजोन पे बेचते हो, तो वो आपका प्रोडक्ट इन ऑथेंटिसिटी में क्लेम किया जाता है, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। मैं एक रात में अपने 75 अकाउंट्स बंद करवा के बैठा हूँ, इस वक्त जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन पिछले 6 महीने से अमेजोन में स्टक है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये सबक हासिल हुआ है कि मुझे अगर अमेजोन पे काम करना है तो बंदे का पुत्र बन के करना है, किस तरह से करना है, क्या हिसाब किताब लगाना है, ये अब जाके समझ आइए। तो पिछले 3-4 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो यानी कि ग्रो पकड़ी है अमेजोन के ऊपर, मुझे उसके ऊपर फख्र है। तो मैं चाहता हूँ आपको भी मैं सिखाऊँ, आप लोग अपना नुकसान ना कर बैठो, ठीक है। अच्छा, देखिएगा यहाँ पर
हम अब जाते हैं होलसेल क्राइटेरिया की तरफ, वापस आते हैं। ये मैंने एक सिनेरियो बताया कि पिछले 2023 में 2022 में लोगों ने रिटेल आर्बिट्राज किया। रिटेल आर्बिट्राज में दो नंबर प्रोडक्ट्स, काउंटरफेटेड प्रोडक्ट्स, जिनके ऊपर अमेजोन ने पक्का पक्का टैग लगा दिया। अब हर बंदा दो नंबर नहीं बेचता, एक नंबर प्रोडक्ट भी मिलते थे, एक नंबर भी होते थे, लेकिन उनको भी अमेजोन ने उड़ा दिया, उनकी लिस्टिंग को भी बंद कर दिया। अब मेरे 75 अकाउंट्स में से सारे के सारे तो काउंटरफेटेड प्रोडक्ट्स नहीं ना बेच रहे थे, 75 अकाउंट्स के ऊपर मल्टीपल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स लगे हुए थे, उनको इनएक्टिव कर दिया, उनकी इन्वेंट्री डिस्पोज कर दी गई। अब मुझे जब ये सबक हासिल हुआ कि मेरे इतने अकाउंट्स क्यों बंद किए अमेजोन ने, क्या उनके ऊपर इशू आया था? ऐसा इशू आया कि जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनमें से 20% प्रोडक्ट्स जो थे वो इनऑथेंटिक थे, इनऑथेंटिसिटी में आते थे, बाकी जो प्रोडक्ट्स थे वो ऑथेंटिक थे, लेकिन अमेजोन ने दूसरे सेलर्स के साथ हमें भी कुचल दिया। तो ये काम पहले होता था। अब अगर अमेजोन पे आपको बेचना है प्रोडक्ट तो आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। कंप्लीट आपको क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, उस क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है। अब देखिएगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं आपको सेलर बताऊँ, 78 सेलर बैठे हैं, 78, और इसका मुझे ट्रेंड ग्राफ देखना है, एक साल का। एक साल का ग्राफ देखो, ये देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 200, 200 लिखा हुआ है। एक साल पीछे चले जाते हैं, कौन से महीने में, मई के महीने में। मई के महीने में देखो इसके ऊपर कितने सेलर थे, ऑफर्स, ऑफर्स के ऊपर देखो 200, 267, मतलब के 200 प्लस 250 प्लस सेलर्स थे इसके ऊपर एक साल पहले, और आज कितने सेलर हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सेलर ग्राफ डाउन गया है, 161, फिर 71 पे आया, फिर उसके बाद फिर अप गया 76 पे, फिर अप गया, फिर उसके बाद आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और आज कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ कितने सेलर बैठे हैं इसके ऊपर, 78। 270 सेलर में से 200 कैसे माइनस हो गए, या 190 सेलर एक साल के अंदर कैसे माइनस हो गए? इनको तो बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये प्रोडक्ट दो नंबर बिक रहा था अमेजोन के ऊपर। अमेजोन ने एक सेलर को रगड़ा लगाया, दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, और उसमें मल्टीपल सेलर आए, ठीक है, उनको रगड़ा लगाया। उसके बाद बड़े बड़े जो पाकिस्तान में गुरुज हैं उन्होंने होलसेल के ऊपर बैन लगा दिया। सर सनी अली साहब हमारे गुरु हैं, उन्होंने भी कह दिया होलसेल मॉडल इज फारिग। लेकिन मैं जिन अंग्रेजों के साथ काम कर रहा हूँ उनके अकाउंट्स मेरे सामने हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके अकाउंट्स आपके सामने, रिस्क लेवल आया हुआ है, अकाउंट सस्पेंड होने के करीब है, लेकिन अमेजोन सस्पेंड कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री दिखाता हूँ ना, परफॉर्मेंस हिस्ट्री यहाँ पर आकर एनालिटिक्स में जाकर, सॉरी अकाउंट हेल्थ में परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपको मैं दिखाता हूँ ना, तो ये देखो अमेजोन कह रहा है रिव्यू ऑफ योर लिस्टिंग, रिव्यू ऑफ लिस्टिंग में क्या है, हमारी लिस्टिंग बैन कर दी गई। उसके बाद अगला मैसेज मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा यहाँ पर। अच्छा ये वाला भी ओपन करके दिखाता हूँ मैं, ये वाला भी दिखा देता हूँ, ये वाला भी दिखा देता हूँ। अमेजोन हमारी लिस्टिंग को बैन कर देता है, लेकिन हम लोग कैसे उनको दोबारा से इनएक्टिवेट से एक्टिवेट करवा लेते हैं, रीएक्टिवेट कैसे करवा लेते हैं, और पहली इनवाइस में क्यों हम लोग ले रहे हैं ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से। हमें ब्रांड अप्रूवल समटाइम नहीं देता, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको अप्रूवल नहीं देती। आपको उस ब्रांड का ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करना है इस वीडियो में बताऊंगा, ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेना है। ब्रांड अप्रूवल देता है ठीक है, अगर नहीं देता आपका भाई आपको दूसरा रास्ता बताएगा, जिसमें आपको लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर का, रीसेलर का, आपको मिलेगा इनवाइस, आपको मिलेगा लेटर ऑफ अपोलॉजी, आपको मिलेगा लेटर ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, लेटर ऑफ कंप्लायंस विद सप्लायर, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा और आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी सही, ठीक है। अच्छा इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ आपको। अच्छा यहाँ पर आप देखो ये ASIN नंबर है, कस्टमर ने कंप्लेन किया कि मुझे रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ, रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ। उसके बाद हमने इनवाइस सबमिट करवाई, अमेजोन कह रहा है कि यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट, ठीक है, ये ऐसे नंबर हो रहे हैं। उसके बाद ये वाला ऐसे नंबर आई थिंक वही वाला है, ठीक है, 35Z आई थिंक इसके एंड में आ रहा है, और इसके एंड में क्या आ रहा है, TRS, मैं आपको वही वाला ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो इसके एंड में आ रहा है H33, ये ASIN नंबर है, हर प्रोडक्ट का एक अमेजोन आपको एक कॉमन नंबर दे देता है जिसके थ्रू आप उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो, अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट अमेजोन ने बैन कर दिया था, बैन करने के बाद मैंने अमेजोन को इनवाइसिस दी, अमेजोन ने मेरा अकाउंट के ऊपर जो ये लिस्टिंग है इसको बहाल कर दिया। ये देखो यहाँ पर ये वी रिव्यू द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड एंड डिसाइडेड दैट यू मे कंटिन्यू दिस ऑफर दिस आइटम्स ऑन अमेजोन, कि आप इस प्रोडक्ट को दोबारा से सेल कर सकते हो। ये मुझे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेन आती रहती है। अगर आप 10,000 यूनिट बेचती हो ना, 10,000 में से कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक भी कंप्लेन रिसीव ना हो। अगर आपने महीने का 1,000 यूनिट सेल किया है उसमें से 10 रिटर्न आपको लाजमी फेस करने पड़ेंगे,
10 या 15 उन रिटर्न में से दो चार कंप्लेन आएंगी, जिसकी वजह से आपके लिस्टिंग समटाइम रिस्क पे चली जाती है, रिमूव नहीं होती। समटाइम आपकी लिस्टिंग रिमूव हो जाती है, अमेजोन आपसे मल्टीपल इनवाइसेज मांगते हैं। तो आप मल्टीपल इनवाइसेज जब आप अमेजोन को देते हो और जो डिस्ट्रीब्यूटर की होती है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी लिस्टिंग दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है। आप इस लेवल को अगर फॉलो करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर, आपका पैसा सिक्योर। तो इस कोर्स में मैं आपको ये सारा कुछ सिखा रहा हूँ। अब क्राइटेरिया साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट का जो ये रेटिंग है, ये 500 प्लस हो, 4.5 स्टार हो, उसके ऊपर जो सेलर्स की तादाद है वो ज्यादा से ज्यादा भी अगर हो ना तो 15 या 20, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर देखा जाए ना, टोटल सेलर बैठे हुए हैं 14, ठीक है। और देखिएगा जितने भी सेलर है ना, उन सब की रेटिंग 300 प्लस होनी चाहिए। एवरेज अगर सेलर की जो तादाद है ना वो 14 है, 14 सेलर्स में से दो तीन सेलर की अगर रेटिंग डाउन है तो नो प्रॉब्लम, बाकी सबकी रेटिंग अप होनी चाहिए। देखिएगा अब ये सेलर है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय ACME हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है। ये सेलर FPM है, ये होलसेलर। कैसे पता चला मुझे इसकी रेटिंग, देख रहे हो 4 स्टार प्लस है और 1026 इसकी फीडबैक है, 90% पॉजिटिव रेट है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे चलते हैं तो मल्टीपल आपको जितने भी सेलर नजर आ रहे हैं सबकी रेटिंग 300 प्लस है। 300 प्लस होगी तो समझ लो वो प्रोडक्ट आपका ऑथेंटिक है। एवरेज सेलर जो है वो पुराने होने चाहिए, उन सब की रेटिंग। अभी एक नया सेलर है, ये 100% होलसेल कर रहा है, प्रॉपर अप्रूवल लेकर, प्रॉपर इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने के बाद, ठीक है। ये भी प्रॉपर होलसेल कर रहा है, ये भी होलसेल कर रहा है, ठीक है। दो सेलर मुझे नए नजर आए हैं, बाकी सारे तकरीबन पुराने हैं। ये होलसेल कर रहा है FBA। अब हम लोग FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। FBM कौन सा सेलर है, जिसके आगे लिखा हुआ आएगा सोल्ड एंड शिप बाय, दोनों के आगे सेलर का नाम आएगा, जैसे इसके आगे लिखा हुआ है कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक कॉस या जो भी नाम लिखा हुआ है। दोनों ये काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। इसको शिप भी खुद कर रहा है, सेल भी खुद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो शिप शिप बाय अमेजोन, अमेजोन के वेयर हाउस से शिप करवा रहा है और सेल ये खुद कर रहा है, दिस इज कॉल्ड FBA सेलर, ठीक है। अब हम लोग FBA को ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्रोडक्ट हमारा सिक्योर रहता है और हमें जितने भी रिटर्न फेस करने पड़ते हैं वो अमेजोन खुद ही देखते हैं, अमेजोन जाने उसका काम जाने, ठीक है। अच्छा, ये चीज, ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है और ये ब्रांड अपनी प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। कैसे, देखिएगा आप पहले वाले सेलर को देखो, 27 का बेच रहा है, नीचे वाला 27 का बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलो, ये 26 का बेच रहा है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अच्छा, नीचे वाला 26, 26, 27, 27, 28, एक प्राइस एक सीक्वेंस में आ रही है। अगर मैं आपको एक घटिया तरीन प्रोडक्ट दिखाऊं जिसके ऊपर प्राइस आपको कभी क्या नजर आएगी तो कभी क्या नजर आएगी, देखिएगा। अच्छा, 34, 36, ठीक है। अच्छा, ये आजकल का ट्रेंड है, 43 पे आ गई, आजकल का ट्रेंड है। अभी मैं अगर आपको इसका 1 साल पुराना ट्रेंड दिखाऊं ना तो ये प्रोडक्ट कितने का सेल हुआ, देखिएगा 1 साल पुराना, यहाँ पर ये प्रोडक्ट 40 का बिक रहा था, 40 से बिकता बिकता कहाँ पे गया, 47 पे, प्राइस बढ़ गई, 53 पे गया। 53 के बाद एक बंदे ने इसको 60 का बेचा, उसके बाद फिर एक बंदे ने फिर 60 का बेचा, फिर एक बंदे ने इसको 70 का बेचा। ये स्टेबल प्राइस नहीं है, ठीक है। स्टेबल प्राइस कौन से वाली होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेबल प्राइस हम लोग कहते हैं इसको कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्टेबल प्राइस, लास्ट 6 मंथ की जो प्राइस है ना वो एक सीधे ग्राफ में होनी चाहिए। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो स्ट्रेट ग्राफ है ना वो आपका बिल्कुल तकरीबन $1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे ज्यादा आपको जो है ना वो अगर देखना पड़ गया तो समझ लो कि 180 डेज का ग्राफ आप देखो इसका, इसकी प्राइस 20 से नीचे नहीं आई। जबकि आप इसको देख लो, इसकी प्राइस कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है। एक मिनट रुकिएगा, मैं वो दोबारा से ओपन कर लूँ। अब ये देखो, इस प्रोडक्ट को देख लो, इसका मैं 1 साल का ट्रेंड दिखा रहा हूँ आपको, 1 साल का ट्रेंड, 1 साल का ट्रेंड देख लो, फिर उसके बाद 6 महीने का। हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं 6 महीने का ट्रेंड देखते हैं, 6 महीने में उसकी प्राइस एक सीधी लाइन में जा रही हो, ऊपर नीचे हो लेकिन इतनी ज्यादा ना हो। अब आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट 15 का, 13 का, 15 का बिक रहा है। अब एक 6 महीने पहले 15 का बिक रहा था और आज कितने का बिक रहा है, 12.5 का, ठीक है। तो इतना ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट ना हो आपके पास जिसकी प्राइस आज से 6 महीने पहले, मतलब कि अगर ये रहा, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, जिसकी प्राइस आज से 6 महीने पहले कुछ और थी और आज कुछ और है, ठीक है। अगर मैं इसका 180 डेज का ग्राफ देखता हूँ यहाँ से तो आपको समझ, अब ये 180 डेज का ओपन है, देख सकते हो आप, 180 डेज का ग्राफ ओपन है।
पहले इसकी प्राइस थी 40, फिर ये गया 60 पे, फिर उसके बाद फिर आया 50 पे, फिर ये गया 60 पे, फिर उसके बाद ये अचानक से 40 पे आ गया, 60 से 40 पे आ गया। सेलर को अब जो बंदा इसको पीछे से ले रहा होगा $35 का या $32 का, जो होलसेल कर रहा होगा, वो अगर इसको बेच रहा है 42 का, 53 का, या अब एक बंदा अचानक से पीछे से लेता है, फॉर एग्जाम्पल 35 का लेता है, और वो अमेजोन पे उसको जो प्रॉफिटेबल प्राइस मिलती है वो $60 है, अचानक से दूसरे सेलर आकर प्राइस को डाउन कर देती है, तो क्या होता है, उस सेलर को तो नुकसान हो गया ना। और फिर उसको मैसेज किया जाता है, मल्टीपल सेलर उसको मैसेज करते हैं कि प्राइस अपनी जो है वो ज्यादा इंक्रीज ना करो, प्राइस डाउन करो, वरना आपकी लिस्टिंग उड़ा दी जाएगी, उड़ा दी जाएगी, मैसेजेस करते हैं सेलर आपको। अब देखिएगा, अब ये जो लिस्टिंग है ये एक घटिया तरीन लिस्टिंग है, लोग क्या करते हैं इस तरह की लिस्टिंग फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं और देखते हैं कि इस ब्रांड ने हमें अप्रूवल दे दिया, अब हम चाइना से बनवाते हैं इन्वेंट्री। नहीं, ऐसा नहीं होता, चाइना से सिर्फ आप प्राइवेट लेवल की इन्वेंट्री बनवा सकते हो, जो होलसेल की इन्वेंट्री है वो आपको या तो डिस्ट्रीब्यूटर देगा यूएसए का या यूके का, या आपको वो खुद से ब्रांड से बाय करना पड़ेगा, बस दो रास्ते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ना ही आप उसको टारगेट से, वालमार्ट से, ना ही आप उसको सैम्स क्लब से बाय करके अमेजोन पे बेच सकते हो, वरना इन्वेंट्री आपकी डिस्पोज, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सारी डूब जाएगी। मेरा अकाउंट आपने देखा रिस्क लेवल पे गया हुआ है, गया हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट मेरी रिस्क पे है, लेकिन अभी तक बंद नहीं किया। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, हर वीडियो में मेरे मल्टीपल अकाउंट रिस्क लेवल पे है, लेकिन छोटी मोटी वायलेशन की वजह से रिस्क पे होते हैं, अमेजोन बंद नहीं करता। क्यों नहीं बंद करता, उसको पता है बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा है, ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अगर ये सेलर मैंने लॉस कर दिए तो समझ लो मेरी हिट लिस्ट में से एक शिकारी निकल गया। हिट लिस्ट में से जब एक शिकार निकल जाता है आपका, तो बाकी आपके पास बेशक दो या चार शिकार बचे, लेकिन अमेजोन ज्यादा मेरे पास मल्टीपल हैवी इन्वेस्टर्स आए, ठीक है। और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करो जिसके ऊपर आपको इस तरह का गंद ना मिले। देखो, इसके ऊपर आप देख रहे हो अभी नया सेलर है, 9 इसकी रेटिंग है और 3 स्टार इसकी अब इसे डाउन होना शुरू हो गया। इसको देखो आप, 21 रेटिंग है इसकी और इसका 4.5, आने वाले दिनों में इसका भी गिर जाएगा। आगे चलते हैं, ये सारे नए सेलर बैठे हुए हैं, ऐसी लिस्टिंग को फॉलो नहीं करना है। देखो 1100 प्लस की रेटिंग लेकर बैठा है, लेकिन स्टार कितने हैं, 2.5, ठीक है। आगे चलते हैं, ये नया सेलर आ गया, ये भी नया सेलर आ गया, ये भी नया सेलर आ गया, ये सारे के सारे सिंपल एक छोटा अप्रूवल लेकर, सिंपल एक यानी कि समझ लो सेलिंग स्ट्री के ऊपर इनको अप्रूवल मिला हुआ और ये बेच रहे हैं प्रोडक्ट, किसी भी टाइम अमेजोन इनको उड़ा सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हाई रिस्क की है, हाई रिस्क की प्रोडक्ट है। 2023 में 10वें महीने में इसके ऊपर सारे के सारे ऑथेंटिसिटी क्लेम लगे हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इन ऑथेंटिक अमेजोन पे बिक रहा है, इस ये ऑथेंटिक बिक नहीं रहा, एक नंबर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, काउंटरफिटेड कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला देख लो आप, जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर आपको ऑथेंटिसिटी का कोई नजर नहीं आएगा, अगर नजर आएगा भी ना तो एक या दो नजर आ रहे हैं आपको, 2022 में 7वें महीने में 18 तारीख को नजर आ रहे हैं, 2022 2 साल पहले की बात है। उसके बाद इस ब्रांड ने अपने आप को ऐसा स्टेबल किया है अमेजोन के ऊपर कि इसकी प्राइस आप देख लो, इसकी प्राइस 20 से ऊपर ऊपर है, 20 से नीचे नहीं आने दी इसने, जिस बंदे ने इसकी प्राइस डाउन की या 25 से अबव की, इसने उसको उड़ा दिया स्ट्रेट, क्योंकि वो अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहता, ब्रांड अपनी वैल्यू कभी भी मार्केट में डाउन नहीं होने देता। ये सारा क्राइटेरिया समझा रहा हूँ मैं आपको, होलसेल का क्राइटेरिया और प्रोडक्ट हंटिंग आपको समझा रहा हूँ, ये चीज आपने समझ ली ना तो समझ लो आने वाले दिनों में ना आपका तकरीबन 6 महीने की आपको प्रिडिक्शन मैं इजिली आप कर सकोगे, यहाँ पर मैं आपको तकरीबन 70% आपको बता सकता हूँ कि आप आने वाले 6 महीनों की प्रिडिक्शन अपने प्रोडक्ट की खुद ही कर लोगे, कि अब मैं अपने अकाउंट्स के ऊपर ना प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठ जाता हूँ, एक एक महीना सम टाइम नहीं मैं देखता, एक एक महीना मुझे पता होता सेल आ रही है, प्राइस स्टेबल है यार, $2 का $1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर चला, थोड़ा खा लो, सूखा खा लो, अच्छा खा लो, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर 14 सेलर बैठे हुए हैं, किसी की रेटिंग आपको 4 स्टार से नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे इस जो है ना, आप मेरा जो इन्वेस्टर वो मुझे कहता है कि मुझे इस वीक में आपसे 5 प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करता हूँ, पहले तो मैंने एनालिसिस करने आपको सिखा दिए, दोबारा से सुन लो, आपका प्रोडक्ट का जो BSR है less than 30K हो, लिख लो, उसकी जो मंथली सेल है वो 500+ यूनिट पे हो, उसकी जो प्राइस है वो more than $20 हो, more than $20 हो, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड है जो आपको पीछे से मिल रही है उसमें और सेलिंग प्राइस में तकरीबन 30
35% का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। कैसे? अब प्रोडक्ट बिक रहा है 22 का अमेजोन के ऊपर, 22 नहीं सॉरी 827 का बिक रहा है, इस वक्त प्राइस जो है वो डाउन की हुई है। अगर देखा जाए तो इस प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस आ रही है 27 है, देखा जाए दूसरा सेलर 27 का, तीसरा 27 का बेच रहा है, और टॉप 5 सेलर्स को जो अमेजोन पे बैठे हैं ना उन सबको सेल आती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं इसका 1,000 यूनिट बिक रहा है इस महीने का, 1,000 1,000 सारा का सारा, तो टॉप सेलर को सेल नहीं देता अमेजोन, कभी भी नहीं देता, ठीक है। नंबर 1 जो सेलर बैठा हुआ ना, सारी सेल उसको नहीं आती। अमेजोन का जो एल्गोरिज्म है ना वो घूमता है, पहले 5 सेलर 6 सेलर के इर्द गिर्द घूमता है, कभी किसी के पास सेल जा रही है, कभी किसी के पास सेल जा रही है। अब जो बाकी बंदे बैठे सेल कर रहे हैं इसको, वो बेले नहीं बैठे, उनके पास सेल जा रही है, ठीक है। तो ये इस चीज का अंदाजा आपको कैसे होगा, यहाँ से आप देख सकते हो, जो रेड लाइन आ रही है ना, अब इसके ऊपर देखो, कभी प्राइस इसके ऊपर आपको नजर आएगी 23 की, कभी आपको नजर आएगी इसके ऊपर 26 की, नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा 26 का बेच रहा है उसके पास भी सेल जा रही है, जो बंदा 23 का बेच रहा है उसके पास भी सेल जा रही है, ठीक है। अब इस ग्राफ का ये मतलब है कि बाय बॉक्स शेयर हो रहा है। बाय बॉक्स क्या है कि जिस बंदे की प्राइस पहले टॉप 5 सेलर में होगी उसके पास सेल जाएगी, उसके पास बाय बॉक्स जाएगा, बाय बॉक्स मीन सेल आएगी उसके पास, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रोडक्ट बिक रहा है 27 का अमेजोन के ऊपर, इसका आप 35% माइनस कर दो, 35 से 40%, ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर से होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट प्राइस होगी आपकी, ठीक है। आप इसका अगर 35 या 40% माइनस करते हो तो पीछे जो बच जाता है वो तकरीबन बाकी मेरे ख्याल से 13.7 बनता है, गालबन मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, 13.7 बनता है। इसमें आप पैकेजिंग लगा लो प्रोडक्ट की, सॉरी मैंने ये 50% माइनस कर दिया, इसको मैं अगर करूँ ना तो ये 15 या समथिंग बनता है, 15% या सॉरी कॉस्ट ऑफ द गुड्स अगर मैं देखूँ 15 या 16 या 17 बनता है, अगर मैं 35 या 40% माइनस करूँ इसका, ठीक है। तो ये प्राइस आपको डिस्ट्रीब्यूटर देगा, ठीक है। मैंने जब पहले 13 लिख दिया था उसके लिए माजरत, वो 50% मैंने माइनस कर दिया था, 13 अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 26 बनता है, तो मैंने 50% माइनस कर दिया था। आप इसको 40% इसका जो है ना वो 27 में से माइनस कर दो, जो कि 16 या 16.5 बनता है, ठीक है, 16.5। अब अगर ये पीछे से आपको प्रोडक्ट मिलता है ना डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसकी जो प्राइस है उसके एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर तो जो प्राइस है ना आपकी वो हमेशा एक स्टेबल लाइन में जानी चाहिए, ठीक है। अब इस टूल का फायदा क्या है, ये आपको प्रोडक्ट का यूपीसी क्या है, ईएएन नंबर क्या है, ये सारा कुछ बता देता है आपको, ये बता देता है कि प्रोडक्ट आने वाले दिनों में कैसा होगा, उसके ऊपर कोई वायलेशन आ सकती है या नहीं आ सकती, ठीक है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 2022 2023 में कोई वायलेशन नहीं है, 2024 में सिर्फ एक वायलेशन आई है, जो कि एक यानी कि कंडीशन के केस में कोई एक छोटी मोटी तो कभी कभी आ जाती है। तो इसको इस प्रोडक्ट को आप कह सकते हो कि लो रिस्क की प्रोडक्ट है और लो वायलेशन है इसके ऊपर, लेस वायलेशन है, और उसके अलावा क्योंकि 6 महीने में इसके ऊपर सिर्फ एक वायलेशन आई है, 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि 2023 और 2024 में एक वायलेशन है इसके ऊपर। हमें हमेशा प्रोडक्ट वो चूज करना होता है जिसके ऊपर लेस वायोलेशन हो, लो रिस्क हो, और उसके बाद उसके ऊपर स्टेबल ग्राफ हो, स्टेबल प्राइस हो, और उसके ऊपर जो सेलर्स हैं उनकी रेटिंग जो है तकरीबन 400 प्लस हो, 500 प्लस हो, सेलर सारे पुराने हो, उनके अंदर कोई नया सेलर ऐसा ना हो जिसकी रेटिंग डाउन हो, ठीक है। और उसके अलावा ज्यादा जो एवरेज है वो प्राइस मतलब कि पहले 24 है तो 25 26 27 ऐसे प्राइस जाए, ऐसे नहीं कि पहले वाले जो सेलर है उसकी प्राइस है 22, नीचे वाले सेलर की 25, उससे नीचे वाले की है 28, उससे आगे वाले की है 40, ऐसे नहीं, प्राइस एक सीक्वेंस के साथ हो, और एक जैसे अच्छा, इसके ऊपर जो प्राइस है ना वो 25 से नीचे नहीं गई, अगर देखा जाए तो 25 से नीचे इसकी प्राइस नहीं गई। और आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है, इसको हम कहते हैं यूनिक प्रोडक्ट है। अब मैं कुछ आपको यूनिक प्रोडक्ट्स की एग्जांपल मजीद दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्नैपिंग मेथड की तरफ। बस हमारा जो लॉन्ग लेक्चर था ना वो सिर्फ इतना था, दूसरा हमारा जो कोर्स की जो दूसरे आउटलाइन है स्नैपिंग मेथड है, उसके बाद बाकी सारा तकरीबन 4 4 5 5 मिनट की गेम है। अब मैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो कि मेरे पास ओपन है, जैसे कि एक अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसका BSR सिर्फ 75 है, मंथली सेल कितनी है 50,000 यूनिट की। इसके ऊपर आप 6 महीने का ट्रेंड देख लो, प्राइस इसकी तकरीबन स्टेबल है, 15 और 10 के दरमियान दरमियान है, ठीक है।
15 और 10 के दरमियान ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके ऊपर सेलर ग्राफ अगर देखा जाए, अब इसके ऊपर इसने वायलेशन तो बहुत ज्यादा दी हुई है। अब जो एक नंबर ब्रांड है उसकी निशानी क्या है आप बताओ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो एक नंबर ब्रांड है ना, वो हमेशा आईपी वायलेशन सेंड करेगा। जो 2 नंबर ब्रांड है या काउंटरफेटेड ब्रांड है, या जो अमेजोन के ऊपर लोगों की अकाउंट्स की धजियां उड़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की धजियां उड़ा रहे हैं, वो हमेशा आपको ऑथेंटिसिटी क्लेम सेंड करेगा। और जो एक नंबर ब्रांड होगा वो आपको आईपी वायलेशन सेंड करेगा। आईपी का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आप उस ब्रांड को विदाउट अप्रूवल आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो, या आप किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से लेके अमेजोन पे सेल कर रहे हो कि जो कि एक ऑथेंटिक नहीं है, जिसने एक प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिया होगा, ठीक है। तो हम ऐसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेंगे, ठीक है। आप फजूल लोगों से प्रोडक्ट उठा लेते हो, होता तो एक नंबर है, मैं भी मानता हूँ। अब ये जो ब्रांड है, ये तो जहां से मर्जी आप ले लो, एक नंबर मिलेगा आपको। इसकी कॉपी आई ही नहीं अभी तक मार्केट में। सिरावे बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी अभी तक मार्केट में कोई कॉपी नहीं आई। इसकी आप देख रहे हो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल है, देखो इसने पिक्चर में हर चीज बताई हुई है। इसका सर्टिफिकेट दिखाऊं आपको, ये इसका सर्टिफिकेट है, इसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप टिकटॉक पे सेल करने के लिए जब जाते हो प्रोडक्ट, तो आपको आपसे सर्टिफिकेट मांगता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, आप सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं एक सर्टिफिकेट, ठीक है। कस्टमर आता है, बाय करता है कि प्रोडक्ट किस चीज का है, कहाँ से लिया गया है, और मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाया गया है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कितनी मिकदार कौन सी है, कैसे है, इसमें वीडियो भी दी गई है। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिक ओरिजिनल ब्रांड, ठीक है। इसको 2 नंबर नहीं बोल सकते आप, ये 2 नंबर हो सकता है, देखो। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपन किए थे, मैं रिसर्च ही कर रहा था। अब ये ब्लू बफेलो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर आप इसको ओपन करो तो आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद ब्रांड आ जाते हैं हमारे पास, अल्लाह भला करे आपका। ये ब्रांड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक तरह से 50-50 हो सकता है, इसको हम नहीं सेल करेंगे, क्योंकि 2023 में इसके ऊपर आईपी आई है, तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड है। आपको रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड नहीं सेल करना, रिस्की ब्रांड आप कह लो। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए, इसको मैं स्टैट देख लेता हूँ, 2021-2020 में इसके ऊपर आईपी वायलेशन आई है। ये 2 नंबर ब्रांड नहीं हो सकता, फेक ब्रांड नहीं हो सकता, क्यों? इसके ऊपर इसने किसी भी सेलर को अभी तक ऑथेंटिसिटी नहीं लगाई, ना 2022 में, ना 2023 में, ना 2024 में, ठीक है। तो इसको आप सेल कर सकते हो, अगर आपको अप्रूवल मिल जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप इसको बेच सकते हो, बिस्मिल्लाह कर सकते हो। अगर मैं आपको 180 डेज का इसका ट्रेंड दिखाऊं, तो इसकी जो प्राइस है ना, उसके ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये मैं आपको बताऊं, जो ब्रांड अपनी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए ना, हम उसको बेचते नहीं है, हम उसका अप्रूवल भी नहीं लेते। क्यों हम क्यों नहीं लेते उसका अप्रूवल? क्योंकि कल को कभी भी प्राइस ज्यादा डाउन चली जाती है, हमारा प्रॉफिट कहाँ गया, लॉस में गया। उसकी प्राइस अप चली गई, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप होने के करीब होगा। हमारी अब एक सेलर ने अगर प्राइस अप की ना, मैं अगर आपको बताऊँ, 24 सेलर है, हाई कंपटीशन है इसके ऊपर। अगर एक सेलर इसके ऊपर बगैरती करता है, ठीक है, कुछ भी करता है, ये 27 का बेच रहा है, अचानक से ये 35 कर देते हैं इसको, बाकी सेलर क्या करेंगे? वो भी प्राइस को बढ़ाएंगे, 33 कर देंगे, 34 कर देंगे। अगर एक सेलर इसको 24 से 22 करता है, तो बाकी सेलर्स को भी प्राइस डाउन करनी पड़ेगी, क्यों? उन्होंने भी सेल ग्रैब करनी है। टॉप 5 में जो बंदा आएगा उसी को सेल आएगी, वरना नहीं आएगी। ऐसा ब्रांड कभी चूज नहीं करना जो दूसरे सेलर्स को बगैरती करने पे एग्री करेगा, ठीक है। तो हमारे अकाउंट्स में ना, उसके ऊपर हम ये नहीं चाहते कि कभी प्राइस फ्लक्चुएशन आए। प्राइस फ्लक्चुएशन आएगी, अप होगी या डाउन होगी, हमारी जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में जाएगा, और मार्केट में गलबा मच जाता है, क्या शोर मच जाता है। अब बाजार में आप देखते हो, एक गारमेंट्स की दुकान है जिसके ऊपर नाइकी का प्रोडक्ट बिक रहा है, और आसपास थोड़े से दूर आप जाते हो, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स मिलते हैं, उन्होंने भी नाइकी ब्रांड रखा हुआ अपने पास, ठीक है। एक बंदा बेच रहा है $50 का, दूसरा बंदा अचानक से आता है, वो मार्केट में आके $40 कर देता है, ठीक है। तीसरा बंदा मार्केट में आता है, वो आके प्रोडक्ट बेचने $30 का बेचने लग जाता है, वही वाली चीज सेम, तो मार्केट में शोर मचेगा या नहीं मचेगा? बाकी सेलर्स को गुस्सा आएगा कि यार हमारा प्रॉफिट खा रहा है ये, ठीक है। बेशक मार्केट में रिजक जो है वो अल्लाह ताला की जात ने देनी है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक बंदा आकर गुस्से के साथ अपने आप को हाई लेवल पर लेके जाने की कोशिश करता है, तो दूसरे लोग उसकी आईडी जो है वो पकड़ के बैन कर देते हैं। अब अगर मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको बताऊं, मेरा जिंदगी का तजर्बा है अमेजोन के ऊपर, अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस मैं बढ़ा देता हूँ, अचानक से 37 कर देता हूँ, बाकी सेलर क्या करेंगे? मेरे से प्रोडक्ट बाय करेंगे, 4 दिन में प्रोडक्ट मिलेगा उनको,
मेरे प्रोडक्ट के ऊपर वो वायलेशन भेज देंगे। कैसे आएगी? प्रोडक्ट मिलेगा, वो अमेजोन को बोलेंगे प्रोडक्ट इज कॉपी, फेक प्रोडक्ट है। अमेजोन बगैर वेरिफिकेशन के मेरी लिस्टिंग उड़ा देगा। क्यों उड़ाएगा? अमेजोन कस्टमर को 99%, 99.9999% कस्टमर को गॉड मानता है। वो कहता है कस्टमर है तो मैं हूँ, वरना मैं नहीं हूँ। कस्टमर को सब कुछ कहता है, सेलर की वैल्यू 0.0001% है। ठीक है, अमेजोन के आगे सेलर की वैल्यू क्या है ये मैंने आपको बता दी। अगर मैं अगर किसी भी सेलर की यहाँ पर इन्वेंट्री रिजर्व करवाना चाहूँ ना, मेरे लिए सिर्फ 2 या 3 दिन के मार है। ये सेलर है ना, इसकी इन्वेंट्री मैं अगले 10 दिन के लिए इजीली होल्ड कर सकता हूँ। कैसे? मैं क्या करूंगा, इसके स्टोर पे जाऊंगा, देखूंगा कितने यूनिट मैं बाय कर सकता हूँ। 3-4 अमेजोन के बायर अकाउंट बनाऊंगा, इसके स्टोर से मैं 50 यूनिट बाय कर लूंगा। बाय करने के बाद जैसे मेरे पास 5 या 6 यूनिट पहुंचेंगे, मैं अमेजोन को बोलूंगा 4-5 अकाउंट से कि मैंने प्रोडक्ट बाय किया, दिस इज कॉपी, दिस इज फेक। अमेजोन क्लेम लगा देगा, क्लेम लगेगा, लिस्टिंग मेरी रिजर्व कर ली जाएगी। 1 महीने के लिए मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिजर्व हो जाएगी, इन्वेंट्री रिजर्व हो जाएगी, पैसे मेरे रिजर्व हो जाएंगे। तो इस केस में अमेजोन कहता है गिव मी द ऑथेंटिक इनवॉइस, गिव मी द लेटर, लव लेटर दो मुझे, मुझे सप्लायर का लव लेटर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब आपके पास लव लेटर होगा ही नहीं सप्लायर का, तो आप अपनी लिस्टिंग को क्या खाक अपनी लिस्टिंग को ओपन करवाओगे? कभी भी नहीं ओपन होगी। आप तजर्बा करके देख लो, लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, मेरे पास डेली तकरीबन कोई 15 से 20 मैसेजेस होते हैं, सर जी अकाउंट सस्पेंड हो गए सेक्शन 3 में। आप $2,000 ले लो, अकाउंट ओपन करवा दो। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के थक गया हूँ। मेरे जो 75 अकाउंट बंद हुए थे ना, अभी तक सिर्फ और सिर्फ तकरीबन अगर देखा जाए मेरे ख्याल से कोई 8 या 9 अकाउंट रिकवर हुए, और जिनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी वो वाले हमने इनसाइडर को पेमेंट दे के वो रिकवर करवाए। और अगर मैं अपनी अपील की बात करूं तो मेरी अपील के साथ 2 अकाउंट्स ओपन हुए अभी तक 75 में से। तो बाकी सारे लोग किस लेवल पे होंगे आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। आगे चलते हैं, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ यार, उसके लिए माजरत। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो वो मैं माजरत पहले कर लेता हूँ, मुझे बहुत सारा नॉलेज है, एक तो मैं बोलता बहुत हूँ। ठीक है, माइंड नहीं करना यार। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फाइंड यूनिक होलसेलर्स एंड ब्रांड, ये हमने फाइंड कर लिए। होलसेल का क्राइटेरिया क्या था ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं अंडवास प्रोडक्ट एनालिसिस और स्नैपिंग मेथड। मेरे इन्वेस्टर ने मुझे बोला, सामा मुझे 1 वीक में 5 प्रोडक्ट्स चाहिए और ऑथेंटिक चाहिए। आई डोंट नो कि कौन से वाले ब्रांड है, कैसे हैं, मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल कर दो, आगे बाय करना मेरा काम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखिएगा, यहाँ पर मैं आऊंगा अमेजोन के ऊपर। मैं यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है चोर मेथड, जिसे हम कहते हैं स्नैपिंग मेथड। मैं यहाँ पर किसी बड़े होलसेलर का स्टोर ओपन करने वाला हूँ। बड़ा होलसेलर कहाँ पे गया? यहाँ पर जिस सेलर की रेटिंग होगी ना 100%, जैसे कि ये है 4.5 स्टार है और अच्छा बैठा हुआ है, इसको ओपन कर लिया मैंने। और उसके बाद 2-4 प्रोडक्ट्स और देख लेता हूँ मैं, जैसे कि ये है। ठीक है, अगर मैं इसमें जाता हूँ, इसमें 55 सेलर बैठा हुआ है, 55 सेलर में से मैं किसी ओल्ड सेलर का स्टोर ओपन करूंगा। ठीक है, जैसे कि आगे बढ़ते चले जाएं हम लोग। ठीक है, ये भी एक ब्यूटी का पुराना सप्लायर है। ठीक है, और पुराना सेलर कह लो, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब ये चीज़ जो मैंने सीखी थी ना, ये एक सीक्रेट है, तो आप यहीं से मेरे से सीख लो। विजिट क्लब डिवा ब्यूटी, ठीक है, मतलब के क्लब डाइवा ब्यूटी इस सेलर का नाम है। अब इसने कितने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं? 3,000+ प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं वन बाय वन, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब प्रोडक्ट्स ये सारे के सारे अच्छे हैं, वो पागल तो नहीं है 4,000 की रेटिंग लेकर बैठा है और 100% के करीब है, वो सारे प्रोडक्ट बेच रहा है ये वाले, तो उसको कुछ ना कुछ बच रहा है, कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक मिल रहा है तो वो बेच रहा है। तो इसको हम कहते हैं चोर मेथड, हम उसके प्रोडक्ट यहाँ से चुराएंगे। देखिएगा अब क्या है, यहाँ पर मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट देखता हूँ जो मुझे VIP लग रहा होगा। कैसे? मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, पिक्चर से पहचान होगी मुझे, ये पिक्चर आप देख रहे हो, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखना। मैं जो जो ओपन करता जाऊंगा, मेरी उसके ऊपर प्रिडिक्शन जो है 20 से 30% बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, पिक्चर को देख कर ना प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ, पिक्चर को देखने के बाद। ठीक है, देखिएगा मैंने 4 प्रोडक्ट ओपन किए, इन चारों के ऊपर मेरे जो एनालिसिस होंगे वो करने सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरी जो प्रेडिक्शन है अभी तक मुझे इनके ऊपर अलिफ और बे भी नहीं पता, मैं एस्टिमेट करके बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट 60 से 70% मेरे क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर रिलाई करेगा। देखिएगा इसके ऊपर वायोलेशन अगर मैं देखूँ तो तकरीबन अगर देखा जाए ये
एक तरह से रिस्की प्रोडक्ट है। बाकी अगर देखा जाए रिस्की के हवाले से इस प्रोडक्ट को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। बाकी देखा जाए सेल इसके ऊपर अच्छी है, इसके ऊपर रेटिंग अच्छी है, ठीक है। उसके बाद इसका अगर 6 महीने का सेलर ग्राफ देखा जाए, 6 महीने का 3 महीने का देखा जाए, तो तकरीबन इसके ऊपर जो है प्राइस जो है वो तकरीबन 45 से ऊपर ऊपर है, 45 से 50 के दरमियान है। तो प्राइस में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, मतलब कि 40, 45, 46, 47 के करीब करीब है। तो इतनी प्राइस में अप एंड डाउन होती है। जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर इतना हाई कंपटीशन चल रहा हो ना, 82 सेलर हो, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतना प्राइस का उतार चढ़ाव आता है। अब आपको समझ आई होगी मैंने क्यों बोला कि आपके लिस्टिंग के ऊपर 15 सेलर होने चाहिए, क्यों बोला? ताकि आपका कंपटीशन डाउन हो और आपकी प्राइस स्टेबल हो। ये वाला प्रोडक्ट आपने देखा कितने सेलर हैं, 14 सेलर है। प्राइस के ऊपर फ्लक्चुएशन नजर आई? नहीं नजर आई, प्राइस बिल्कुल स्टेबल एक ही लाइन में जा रही है। इसके ऊपर आप देखो प्राइस देखो आप अप एंड डाउन हो रही है, तो आपका प्रॉफिट माइनस में भी जा सकता है। ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करना। 50% ये क्राइटेरिया को मैच कर रहा है कैसे? एक तो इसके ऊपर सेल अच्छी है, BSR अच्छा है, रेटिंग इसकी अच्छी है, 4.5 स्टार है, और इसकी पिक्चर्स देखे जाए तो पिक्चर भी VIP किस्म की है इसके। देखो इसमें इंग्रेडिएंट्स बता रहे हो। आगे चलते हैं, इसको देखो, ये मैंने ओपन किया, इसके ऊपर वायोलेशन नहीं है, कोई वायोलेशन इसके ऊपर फिलहाल नहीं आ रही। देखो यहाँ पर हमें अलर्ट नहीं बता रहा, सेल अच्छी है इसकी, 7,000 यूनिट बिक रहा है, 5,000 इसका BSR है, और देखा जाए 20+ प्राइस है इसकी, और इसके ऊपर सेल आई है। ये वाला लाइन देखो आप, इसकी ये वाली लाइन, ये देखो ये लाइन आप देखो। अगर मैं आपको 3 महीने का इसका दिखाऊं ना, तो देखो 3 महीने का देख रहे हो आप, बिल्कुल लाइन सीधी जा रही है कि इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन आ ही नहीं रही, हालांकि इसके ऊपर कंपटीशन हाई है। और एक और बात आपको बताऊं जो मैं पहले बताना भूल गया आपको, सेलर इसके ऊपर डाउन नहीं है। देखो ये लिखा हुआ 50, 50 की लाइन में अगर आप आते हो ना, तो 40 से ऊपर ऊपर आपको सेलर नजर आते हैं। आज से 3 महीने पहले इसके ऊपर दिसंबर 31 को, आज 28 मार्च है या 29 मार्च है गालबन, इसके ऊपर 31 दिसंबर से आज तक जो सेलर हैं वो स्टेबल जा रहे हैं, 44, 42, 46, मतलब कि सेलर को अमेजोन ने उड़ाया नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये प्रोडक्ट लो रिस्क की है, लेस वायलेशन है, स्टेबल प्राइस है, स्टेबल प्रॉफिट है, और अच्छा प्रोडक्ट जा रहा है। दिस इज गुड प्रोडक्ट, आई विल गिव दिस प्रोडक्ट टू माई इन्वेस्टर, तो इन्वेस्ट एटलीस्ट 100 की US डॉलर ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको भी देख लो, इसके ऊपर क्या प्रेडिक्शन है देखिएगा। इसके ऊपर IP वायलेशन आ रही है, लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं है, दिस इज ओरिजिनल ब्रांड, ठीक है। दिस इज निशानी ऑफ ओरिजिनल ब्रांड यार, निशानी ये आप समझ लो कि ओरिजिनल जो ब्रांड होता है। मुझे पता, मैं थोड़े से ना ऑकवर्ड यूज कर रहा हूँ वर्डिंग, ताकि आप लोग जरा बोर ना हो, थोड़े से हासा वासा भी होना चाहिए ना। अच्छा 10,000 का इसका BSR है, रेटिंग वेटिंग अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट ठीक जा रही है इसकी। सेलर ग्राफ आप देखो, इसका प्राइस का ग्राफ देखो और सेलर ट्रेंड देखो, एक लाइन में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको लूलेमन का दिखाऊं ना, ये जो मैंने पहले प्रोडक्ट ओपन किया था, दुनिया जहान का गंदा तरीन प्रोडक्ट मैंने जो ओपन किया हुआ आपके सामने, ये वाला, इसका मैं 3 महीने का आपको ट्रेंड दिखाऊं, 3 महीने का ट्रेंड देखो, सेलर ग्राफ सीधा गया सीधा गया। इसके ऊपर कितना सेलर थे? 105, 105 सेलर थे, आज कितने हैं? 77। 3 महीने पहले 105 सेलर थे, आज 77 कैसे? 3 महीने के अंदर इसके ऊपर 23 सेलर कहाँ गए, 27 सेलर कहाँ गए? वायलेशन लगी, उड़ा दी अमेजोन ने, ठीक है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको नजर नहीं आएगा, एक के ऊपर नजर आएगा दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। इसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं, सेलर ग्राफ सीधा जा रहा है। अगर देखा जाए पहले कितने सेलर, 46, 46, 47, दोबारा से इन स्टॉक हो गए, 2-4 सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, फिर इन स्टॉक हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके ऊपर देखो सेलर ग्राफ तकरीबन ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर देख लो, मैंने आपके सामने 4-5 प्रोडक्ट्स ओपन किए, जिनमें से 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर वायलेशन नहीं थी, लो रिस्क था, लो वायलेशन थी, सेलर ग्राफ VIP था। कौन से वाला प्रोडक्ट VIP था? अब मैंने 2 प्रोडक्ट हंट कर लिए, कहाँ गया? एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों के ऊपर अगर देखा जाए, इसके ऊपर IP है, IP से मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैं ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करता हूँ, आपको बाय करना सिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसके ऊपर मुझे डर नहीं लगता, अगर इसके ऊपर मुझे डर लगेगा यार, कहाँ गया? इसके ऊपर डर लगेगा, ऑथेंटिसिटी दे रहा है यार ये, ऑथेंटिसिटी जो ब्रांड दे रहा है ना, समझ लो वो आपको भी दे सकता है, उसमें अमेजोन आपको भी कुचल देगा, ठीक है। IP वाले में मसला नहीं होता, IP तो चुटकियों में मैं इजिली इनवाइस देकर निकाल लेता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार हमसे ये काम होगा, लेकिन
जब काम करना शुरू किया दिन रात एक की, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, हौसला दिया, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है। अब देखो ये ब्रांड है, ये भी आईपी दे रहा है, एक बार इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी आई है, वो उसका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, वो उस सेलर को आती है जो मतलब के प्राइस हाई कर दे या ज्यादा मतलब के समझ लो कि काउंटरफेडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, ये उन सेलर को मिलती है जो पहले ब्रांड से लेते हैं 1000 यूनिट, बाद में वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं चाइना से, उनको रिस्की वायलेशन आती है। लेकिन आईपी उनको आती है जो मतलब कि ब्रांड से बाय नहीं करते या डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से, उनको अमेजोन पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दो प्रोडक्ट्स निकाल लिए, एक ये वाला और उसके अलावा कहाँ गया दूसरा, ये वाला, ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरी हिट लिस्ट में आ गए। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, मैं आपको तीसरा, हमारा चौथा टॉपिक क्या था, एडवांस प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है। एडवांस प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या है कि मैं आपको सारा कुछ अभी बता चुका हूँ कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल हो, उसके ऊपर सेलर ट्रेंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हो, उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, आपको अपनी सेल प्राइस लगानी है। अब प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर कितने का लगाऊंगा, आइए देखते हैं। अब इसके ऊपर 40 सेलर बैठा हुआ है, कितने का सेल कर रहे हैं देखते हैं। ये सेलर पुराना है, पहला सेलर पुराना, दूसरा सेलर पुराना, तीसरा पुराना, कोई नया सेलर आपको घटिया तरीन रेटिंग के साथ नजर नहीं आने वाला इसके ऊपर, 100% 100%। नीचे चलो, पुराना सेलर है, पुराना सेलर है, ये भी पुराना सेलर है, ये भी पुराना सेलर है। ठीक है, आगे चलते जाते हैं, आपको प्राइस में कोई खास फ्लक्चुएशन नजर नहीं आएगी, 24 24 24 24 23, ठीक है, 23.62, 26 24 ही हो गए। ठीक है, ये देखो, दिस इज कार्ड ओरिजिनल ब्रांडेड वीआईपी किस्म का प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज द निशानी ऑफ वीआईपी प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, देखो एक सीक्वेंस के साथ प्राइस आ रही है। अब मुझे अगर ये प्रोडक्ट बेचना है अमेजोन के ऊपर, मैं कितने का बेचूंगा, मैं सारे सेलर की प्राइस को प्लस करूंगा, एवरेज निकालूंगा, मतलब 40 सेलर बैठा हुआ है, हर सेलर की प्राइस को प्लस करूंगा, 25 25 25, कितने सेलर है, कौन कितने का बेच रहा है, डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ सेलर्स के साथ, एवरेज निकलेगी इसकी गालबन 23 पॉइंट या 24 पॉइंट समथिंग, दिस इज कॉल्ड माई ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड स्टेबल प्राइस ऑन दिस प्रोडक्ट। ये चीज मैंने गौरव से सीखी है, पाकिस्तान में कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि वो मुझे एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस इस लेवल तक निकाल के दे कि मैं एक स्टेबल प्राइस लगा दूं। मेरा इन्वेस्टर मुझे कहता है कि इस प्रोडक्ट की जो एनालिटिक्स जो है ना, एनालिटिक्स प्राइस क्या हो सकती है, प्रिडिक्शन क्या हो सकती है आने वाले 2 महीनों की, मुझे निकाल कर दो, मैं यही वाला फार्मूला लगाता हूँ और मैं उसको बता देता हूँ कि इसकी सेलिंग प्राइस ये होगी, उसको मैं बता देता हूँ, और उस प्राइस से 1 या 2 सेंट मैं ऊपर कर देता हूँ 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद, और मुझे ऐसी सेल आती है कि मेरी आंखें हैरान हो जाती हैं देख कर कि यार मैं इस काबिल बंदा हूँ कि मैं इतनी सेल ग्रैब कर पाऊँ अमेजोन के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सेल, दिखाता हूँ मैं आपको मेरी सेल, अगर देखी जाए यहाँ पर, अब ये वही वाला ब्रांड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तिलबरी ब्रांड, देखो कितनी सेल है इसके ऊपर, मैं 22 24 20 क्या नाम है 27 तक भी इसको सेल कर चुका हूँ। अब इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में 27 चल रही है, लेकिन आपका भाई 22 का बेच रहे हैं, कैसे, दिस इज मतलब कि महारत, एक्सपर्ट लेवल में जब आप जाते हो तब आपको समझ आती है, ये चीज आपको शाहिद अनवर नहीं बताएगा। यार शाहिद अनवर को तो मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी एडवांस लेवल की जो ट्रिक है या प्राइस की या सेल करना है कि ये आपको जज करनी खुद आनी चाहिए। ये अभी तक जो अपडेट किया गया, शाहिद अनवर का कोर्स मेरे पास भी, अभी तक उसने अपडेट नहीं किया, लेकिन आपको अपडेट करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। अच्छा देखिएगा, मैं आपको सेल दिखा रहा था, मतलब कि अगर आज की सेल देखी जाए ना, लास्ट देखी तो 50 ऑर्डर्स है, ठीक है, 50 ऑर्डर्स मतलब कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो मुझे सेल आई है, कभी 50 कभी 100 कभी, तो सेल 2000 3000 4000 की एवरेज होती है, और वीकली सेल मेरी तकरीबन एक्सपेक्टेड 12000 15000 डॉलर की इजीली हो जाती है। अच्छा सॉरी, आगे चलते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस अभी खत्म नहीं हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट मुझे पीछे से कितने का मिलना चाहिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे पीछे से मैंने कितना बताया था, 40% इसकी सेलिंग प्राइस का माइनस कर दो, वो आपकी ओरिजिनल प्राइस होगी जो आपको पीछे से मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, 60% माइनस नहीं करना, 70% माइनस नहीं करना, 40% निकालो, 24 का 40% अगर मैं निकालता हूँ तो 15 पॉइंट समथिंग बनता है, ठीक है, 15 पॉइंट या 14 पॉइंट समथिंग बनता है, हम लोग यहाँ पे 14.4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 14.4 का ये मुझे पीछे से मिलना चाहिए।
डिस्ट्रीब्यूटर से, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम अगर मुझे मिलेगा 14.7 तक का मुझे मिल जाए, विद पैकेजिंग, विद लेबलिंग, सारा कुछ मिलाकर। इससे अगर महंगा मिलता है तो ये बारे में नहीं आता, क्योंकि इसके ऊपर मुझे स्टेबल प्राइस के ऊपर इसकी जो है ना 24 का, अगर मैं इसको बेच रहा हूँ 25 या 24.5 का, अगर ये बिक रहा है अमेजोन के ऊपर, करंट प्राइस इसके 23 से 24.5 तक ही है, तो मुझे इसके ऊपर $2 का प्रॉफिट नजर आएगा, 1.5 से $2 का। और होलसेल के प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट इतना ही होता है। मेरी जिंदगी में आज तक होलसेल में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर मुझे $10 का प्रॉफिट हो। अगर आप कमा रहे हो तो वो आपको पता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इतने प्राइस, इतना अगर आरओआई आप निकालते हो ना $10 का, $12 का, तो वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। होलसेल के ऊपर आपको $1 का या सेंट में या $2 का प्रॉफिट होता है। 2500 यूनिट बिक रहा है इसका एक महीने का, तो अगर मैं इसका एक महीने का 500 यूनिट निकाल रहा हूँ, तो 500 जरा आप 1.5 कर दो, कितना बनता है, $800-900 बनता है। तो अगर मेरा $800-900 का एक स्टेबल प्राइस के ऊपर मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए यार। अगर मैं आपको बताऊँ ना, 1 साल के अंदर $1 मिलियन की सेल मैं कर चुका हूँ 12-14 महीनों में, तो मेरा आरओआई कितना होगा इसके ऊपर, अगर मैं आपको बताऊँ, टोटल 15 से 20% आरओआई, टोटल 15 से 20, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो मैंने खुद काउंट नहीं किया। मैक्सिमम भी अगर देखो ना, पूरे साल का जो मैंने एवरेज निकाला है वो 16.75 पे गया, 16.75, मतलब कि 1,60,000 डॉलर के करीब $1 मिलियन की सेल के ऊपर हमें आरओआई निकला हमारा। ठीक है, इस अकाउंट का, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, दिस इज एस्टिमेटेड, मुझे एक्यूरेसी के लिए शीट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन भी कर ली, एनालिसिस भी कर लिए। ठीक है, और ये चीजें मैं बताने के ऑनलाइन $100-100 भी लेता हूँ। मेरे ऐसे दोस्त मुझे देख रहे होंगे जो मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन ले चुके हैं, और उनको मैंने ये चीज बताई है। ठीक है, वो देख रहे होंगे मुझे। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये तो चीजें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यार आपका हाथ सीधा हो जाए, आप कुछ कमा लो, प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ आ जाओ। ये पहले 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया यार, उसके लिए माजरत, मैं कुछ बोलता जाता हूँ और मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करना। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है, आ जाओ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, दिस इज ओनली 20% ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, इससे ज्यादा नॉलेज मैंने अपने पेड कोर्स में दिया हुआ है। आपको अपना पेड कोर्स मैं दिखाऊं, ऑनलाइन आर्बिट्राज प्लस होलसेल एफबीएस, मतलब के जो एडवांस लेवल का नॉलेज है ना, वो आपको मेरे पेड कोर्स में मिलता है। मैं आपको अपना पेड कोर्स दिखाता हूँ यहाँ पर। मेरा पेड कोर्स में आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग 2 स्टेप एडवांस लेवल की कैसे करनी है, आपको मेरी गूगल ड्राइव में आपको अमेजोन होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्राज का एडवांस लेवल का कोर्स आपको मिलता है। आपको एडवांस लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट अनगेटिंग विद ऑल इनवाइसिस, जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो आपको इनवाइसिस में मैं दिखा देता हूँ। देखो 20+ इनवाइसिस हैं, मैंने अपनी गूगल ड्राइव में ऐड कर दिए। दिस इज पेड, दिस इज नॉट फ्री। ठीक है, थोड़े से पैसे कमाने का हक हमारा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको सस्पेंशन टेम्पलेट मिलते हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, रिस्क लेवल पे है, अमेजोन अपील मांग रहा है, अपील लेटर लिखो, दे दो, कॉपी नहीं करना, जस्ट इसको रीराइट करो। अकाउंट सस्पेंशन किस तरह की आ सकती है, किस किस लेवल की हो सकती है, सारा इसमें बताया गया है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग 2 स्टेप कैसे करनी है, घर में बैठो ऑनलाइन, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, $2000 हैं कम से कम, $500 हैं, वॉलमार्ट से ऑर्डर करो, रीपैकेजिंग करो, 2 स्टेप करो, उसको अमेजोन पे भेज दो, आती है। मैं आपको अपना ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट दिखाता हूँ, अभी मेरे साथ रहिएगा। अच्छा ये देखिए, ये मेरा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, 1 साल में 2857 ऑर्डर्स मैंने डिस्पैच कर दिए इसके ऊपर, ये मेरा ड्रॉप शिपिंग है। इसके ऊपर आप देख सकते हो हम लोग क्या करते हैं, सैम्स क्लब से ले लिए 10 यूनिट, वॉलमार्ट से ले लिए, अपने वेयर हाउस में मंगवाए, उनकी पैकेजिंग चेंज की, अमेजोन पे भेज दिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग, ये मैंने डिटेल में अपने इसी कोर्स में सिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा ट्रैकिंग कैसे देनी है, ट्रैकिंग जनरेट कैसे करनी है, लेबल कैसे बनाने हैं, हर चीज बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद एडिशनली दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर वॉलमार्ट हंटिंग का, वॉलमार्ट सोर्सिंग का कोर्स आपको इस गूगल ड्राइव में मिलता है। मिलेगा कैसे, आपको मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी और विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, कोर्स चाहिए आपको इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ₹15,000 में आपको मिलेगा, 15K PKR में। ठीक है, 15,000 PKR में आपको ये कोर्स मिलेगा और ये लाइफ टाइम आपके पास है। इसमें जो भी
इसमें अपडेट आएगी ना, वो आपको इसी गूगल ड्राइव में मिलेगी और लाइफ टाइम है, डाउनलोड करो अपने पास सेव रखो, ठीक है, जब मर्जी आपका दिल करे देखो। जब भी इसमें अपडेट आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल आएगी आपके पास। अगर आपको मेरे साथ वन टू वन कंसल्ट करना है, आपका अमेजोन सेलर अकाउंट ऐसा ही नहीं चल रहा, कोई प्रोडक्ट आपने हंट किया है, कोई होलसेल के बारे में डिस्कशन करनी है, कोई आर्बिट्राज के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, प्राइवेट लेबल के बारे में, ईबे, अमेजोन, वॉलमार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे से 1 आवर की कॉल बुक कर सकते हो, जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ $50। अगर आप किसी दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर को चेक करवाते हो, $50 से ज्यादा फीस नहीं होती। तो मैं अमेजोन का डॉक्टर हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 साल अमेजोन पे काम किया है और मुझे इस चीज का अल्हम्दुलिल्लाह से आइडिया है, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपको यूट्यूब पे नहीं सिखा रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है, आ जाइए। अब मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं मोबाइल अकाउंट ओपन कर लूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी बारी आती है इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने की, तो आइए मैं इसको लिस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। हमें क्या चीज कॉपी करनी होती है, दिस इज ASIN नंबर। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये टूल मिलेगा कैसे। इस टूल के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वो इस अफिलियट लिंक है इनका, जो इन्होंने मुझे दिया है। आपको $20 का डिस्काउंट होगा, आपको मतलब कि इसकी जो मेंबरशिप है ना, $45 की, आप इजीली $25 में ले सकते हो मंथली, और 1 ईयर की जो है मेरे ख्याल से $16 की है। जहां पर आपने $2,000 लगाने हैं ना, अगर $100 आप एक टूल के ऊपर लगा लेते हो ना, ये शेयरिंग बेसिस पे नहीं मिलता आपको, शेयरिंग बेस में लोगे फ्लैग करेगा, बार बार रुकेगा। मैं भी शेयरिंग बेसिस पे टूल लेता था, बाद में फिर जब मेरी अकल में लगा ना थप्पड़, जब मुझे अकल आई, जब मुझे ठोकर लगी कि यार ये क्या करूं, मैं टाइम जाया कर रहा हूँ अपना, फिर मैंने ऑफिशियल अपने पैसों से ओरिजिनल टूल बाय किए और मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, पूरा पूरा साल चलते हैं, अच्छे चलते हैं। 1 मिनट में स्टैट दिखाते हैं, ओरिजिनल स्टैट दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप $5,000 लगाते हो, उसमें से $100 अगर आप टूल्स पे लगा लेते हो, आपका बिजनेस लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मुझे ASIN नंबर दे दिया, मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं, कॉपी खुद ही हो गया। आइए मैं आपको अमेजोन अकाउंट पे लेकर चलता हूँ। एड प्रोडक्ट में मैं गया, यहाँ पर आकर मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च किया, अब मैंने सबमिट कर दिया, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे से ये इनवाइस मांगेगा। इसको मैं ऐसे लिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है यार, इसको मेरा अकाउंट बहुत पुराना है, इसकी रेटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी है, मेरी अपनी समझ लो कि मेहनत है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मुझे प्रोडक्ट अगर लिस्ट करना है ना, तो दिस इज ओरिजिनल ब्रांड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये ब्रांड मुझे ऐसे लिस्ट नहीं होने देगा। हम लोग चेक कर लेते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है, ये मेरे से इनवाइसिस मांग रहा है। देखियो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या करेगा मेरे साथ, ये चाहे जितना मर्जी पुराना अकाउंट हो, जो ओरिजिनल ब्रांड होगा ना, वो आपको बगैर इनवाइस के लिस्ट नहीं होने देगा प्रोडक्ट, ठीक है। आप वो देखो क्या मांग रहे हैं, वो कह रहा है कि हमें एक अप्रूव्ड इनवाइस हो डिस्ट्रीब्यूटर से, या मैन्युफैक्चरर की हो या डिस्ट्रीब्यूटर की हो, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस हो, हर चीज हो, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें से मैं आपको एक इनवाइस दिखाता हूँ। इनवाइस कहाँ गई, ये रही, सॉरी ये वाली इनवाइस है एक होलसेल सप्लायर की, मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस। यार मैं अपना डाटा नहीं छुपा रहा आपसे, देखिएगा ये इनवाइस सिर्फ मैं पता कितने की, सिर्फ एडिट करके कितने की बेचता हूँ, $400 की, $400 की, इसी तरह की इनवाइस मैं खुद एडिट करके बेचता हूँ अंग्रेजों को, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। $50-100 वाली गेम मैं नहीं खेलता इनवाइसिस के ऊपर, और इन इनवाइसिस की गारंटी पता कितनी होती है, सिर्फ 50%, 100% नहीं होती, लेकिन पहले दूसरी तीसरी बार ट्राई करो अप्रूव हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो होलसेलर है, ये मेरा इसके साथ ऐसे समझो कि एक रिलेशन है। मैं जब इनवाइस बनाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये एड्रेस है, इसको अपने पास रजिस्टर्ड कर लो, उसके मैं $250 उसको पे करता हूँ। तो जब अमेजोन फोन करता है कि फलां सेलर है, क्या नाम है सेलर का, ये सेलर का नाम लिखा हुआ है, ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है, तो ब्रांड कहता है, ये जो होलसेलर है ये बोलता है, यस दिस इज आवर सेलर, दिस इज आवर बायर, बायर या कस्टमर, ठीक है। तो अमेजोन कहता है कि यार इसने आपसे इतनी क्वांटिटी बाय की थी, अब देखो निकोराटी ब्रांड मैंने इस इनवाइस के ऊपर अनगेट किया हुआ है, अपने स्टोर के ऊपर लिखा हुआ निकोराटी ब्रांड, ठीक है, इसको मैंने अपने स्टोर के ऊपर अनगेट किया हुआ है। तो यही वाली इनवाइस मैंने अपने MBI होलसेल वाले से ली, उसको मैंने बोला कि मैं अपने स्टोर पे लगा रहा हूँ, उसने बोला लगा दो। तो जब मैंने, मेरे पास 2-3 स्टोर और थे, मैंने कहा मैं उनके लिए इन्वेंट्री बाय नहीं करूंगा, तो मुझे बताओ क्या करना है, उसने बोला इनवाइस के ऊपर अपने स्टोर का एड्रेस ऐड कर दो, जैसे मुझे फोन आएगा अमेजोन का, अमेजोन मेरे से सिर्फ इनवाइस नंबर पूछेगा,
इनवाइस नंबर जो कि मुझे अप्रूव करना, और कुछ नहीं पूछेगा। पहले पूछेगा इनवाइस नंबर 775, ठीक है। वो कंप्यूटर में सर्च करेगा, आगे एड्रेस आ जाएगा मेरा, मेरे स्टोर का एड्रेस क्या नाम है, एड्रेस क्या है, अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीन है, आप इस इनवाइस को एडिट करके कोई छोटी मोटी वायलेशन आई हो इजिली रिमूव करवा सकते हो। ये सारी इनवाइसेस काम करती हैं, नॉट 100%, 50 to 60% गारंटेड, ठीक है। अच्छा, ये इनवाइस है, मैं क्या करूंगा, 10 यूनिट बाय किए, कितने यूनिट बाय किए हैं इसके ऊपर अगर देखा जाए, 28 का एक मिला है और हमने कितने बाय किए, मे बी गालिबन 50 यूनिट बाय किए। हमने क्या किया, अमेजोन के ऊपर आए, यहाँ पर इन सब पॉइंट्स को चेक किया, चेक लगाया, उसके बाद यहाँ पर इनवाइस ड्रॉप कर दी। इनवाइस ड्रॉप की अमेजोन 24 घंटे में अप्रूव कर देता है। अगर तो प्रोडक्ट आपने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा, होलसेलर से लिया होगा, तो इजीली आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा। अगर आप कोई फेक इनवाइस उठाते हो उसके ऊपर आप अप्रूवल लेते हो, मिल जाएगा 100% बाद मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अकाउंट के ऊपर फॉर्ज इनवाइसिस का केस आता है, उसमें अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। मैं आपको डरा रहा हूँ, अकाउंट सस्पेंड होता भी है, लेकिन मेरे अपने भी हुए हैं। आजकल मैं नहीं होने देता सस्पेंड, आजकल अमेजोन मेरे से पंगा नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मैं बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इनसाइडर्स को अप्रोच कर चुका हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब आप अप्रोच करते हो, आप इनसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेंट्री उठाते हो, तो वो आपका ख्याल करते हैं कि यार ये बंदा हमारा प्रीमियम कस्टमर है, हमारा प्राइम कस्टमर है, अगर इसकी लिस्टिंग को कोई मसला आया तो हमने वो सोल्व करवाना है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। अब मैं दूसरा ब्रांड लिस्ट करके देखता हूँ, लिस्टिंग तो सिखा दूँ यार आपको पहले, आ जाओ लिस्टिंग में आपको सिखाता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। अगर तो मैं इस ब्रांड को लिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, आ जाइए, क्या ये ब्रांड मेरे अकाउंट पर लिस्ट होगा, देखते हैं इसको। एड अ प्रोडक्ट में आओ, यहाँ पर आकर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये देखो लिस्ट हो रहा है, सेल एज ए न्यू सेल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस कौन से वाले डालनी है, सारे सेलर को आपने प्लस करनी है, प्राइस को डिवाइड बाय टोटल सेलर कर दो, आपके सामने एवरेज प्राइस आ जाएगी। क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर लिखो 24 एस्टिमेटेड। मैंने एग्जाम्पल, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट, अगर आपने एफपीएम करना है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करो। अगर आप अमेजोन से करवाना चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद इसको जो बाकी मार्केट्स हैं उनको आप क्लोज कर दो, यूएसए और कनाडा, यहाँ पर मेरे इन्वेस्टर ने जो है वो लिंक कर रखी है, तो मैं इसको सेव एंड फिनिश करूंगा। 15 मिनट के बाद लिस्टिंग मेरी अमेजोन पे खड़ी हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है, आपको अमेजोन पे इन्वेंट्री सेंड करनी होती है, उसके लिए एक अलग वीडियो है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो है, वो मैं इस लेक्चर के एंड में पिन कर दूंगा, वो है तकरीबन 20 मिनट की, वो आप देख लो। अमेजोन पे इन्वेंट्री भेजी कैसे जाती है, ठीक है, अमेजोन पे इन्वेंट्री कैसे भेजी जाती है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। देखिएगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने आपको सिखा दी, एक पॉइंट यहाँ पर मैं मिस कर दिया, उसके लिए माजरत। हाउ टू अप्रोच ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, हमारा मेन जो रहता है बस वो यही रहता है, उसके बाद तकरीबन हमारा जो है वो एंड एंड है, तकरीबन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिलते कैसे हैं, देखिएगा, 2 मिनट की गेम है। अब अगर मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है अमेजोन के ऊपर, कौन से वाला है, ये वाला, ठीक है, चेयरलॉट टिलबरी एयर ब्रश, ये मुझे सेल करना है। मैं उसको क्या करूंगा, गूगल करूंगा, यहाँ से सबसे पहले मैं इसको ओपन कर दूंगा अमेजोन के ऊपर, उसके बाद यहाँ से मैं इसको गूगल कर लेता हूँ, सर्च ऑन गूगल। जब मैं गूगल करूंगा तो ये मुझे इसका जो ऑफिशियल ब्रांड है उसकी वेबसाइट मेरे सामने आ जाएगी, जैसे कि ये यूएई में बिक रहा है और यूएसए में बिक रहा है, ठीक है, ये है, ये ऑफिशियल ब्रांड की वेबसाइट है, मुझे इसे अप्रोच करना है, कैसे करूंगा, सो सिंपल, सो अब क्या करना है, एक ईमेल बनाओ, जीमेल बनाओ, एक अच्छी सी प्यारी सी, आपका नाम हो शुरू में, जैसे कि मेरा नाम है contact@usama.com, इस तरह की ईमेल बनाओ, ठीक है, जिससे आप एक प्रोफेशनल लेवल के सेलर दिखो। आगे चलते हैं, ये क्या कह रहे हैं मेरे से, एक्सेप्ट ऑल, अच्छा नीचे चलोगे आप, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा फाइंड करना है ना आपको जो आपको रिटर्न आपको अलाउ करे, कि आप रिटर्न उसको कर सकते हो, जो आपको रिफंड की पॉलिसी दे, जो आपको कॉन्टैक्ट की या कस्टमर की पॉलिसी दे, ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना जो ना तो रिटर्न लेता है, ना रिफंड लेता है, ना रिफंड आपको देता है, और ना ही आपकी बात सुनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब इसकी जो पॉलिसी है वो मुझे रीड करनी पड़ेगी, क्या पॉलिसी है, कस्टमर केयर, कस्टमर केयर है, रिटर्न है, शिपिंग है, तीनों पॉलिसीज
इसकी एक्सेप्ट हो रही है। अब हम इससे इनसे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा कांटेक्ट अस कहाँ गया, माय अकाउंट पे आ जाओ, इसको ओपन कर लो। और उसके अलावा इनकी वेबसाइट और फोन नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ दिया होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, मुझे मिल गया। अब मुझे इनसे कॉन्टेक्ट बनाना है, ठीक है। एक तो पहले आप इनके साथ पहले एक कॉन्टेक्ट बनाओगे, कैसे, आप इनका ईमेल और ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैट विद अस, चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आप इनसे कॉन्टेक्ट बनाओ, एक अच्छा सा प्यारा सा टेम्पलेट लिखो, जिसमें आपने लिखना है, मैं उर्दू में बता देता हूँ। आपने ये कहना है कि मेरी कंपनी का नाम ये है, मैं यूएसए में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, और मैं मल्टीपल इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो इसको, मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखकर नहीं बता सकता क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, मुझे इसको वाइंड अप करना है। आप बोलो, मैं एक सेलर हूँ यूएसए में और मैं अपने स्टोर के ऊपर सेल कर रहा हूँ, अमेजोन का जिक्र नहीं करना आपको। ये लोग आपको दो नंबर बातें करते हैं कि अमेजोन की बात, यानी कि सॉरी, मैं अमेजोन की बात आपको बाद में करनी है, मैं यहाँ पे भटक गया था, दोबारा बताता हूँ आपको। तो लोग आपको कहते हैं कि आपने अप्रूवल लेना है, अमेजोन की बात नहीं करनी। मैं आपको शुरू में कहूंगा अप्रूवल लो, उसके बाद बोलो कैन आई सेल दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ये आप लाजमी पूछो। अगर वो आपको अलाउ करता है कि अमेजोन पे बेचो तो बेचो, अगर वो अलाउ नहीं करता, ब्रांड अप्रूवल आपको मिल गया, आप ब्रांड से पूछो कि मैं अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, आप अलाउ करते हो, ये ना हो कल को वो आपको आईपी लगा दे और आप आकर मेरा सर फाड़ दो, ठीक है। आपने ये चीज पूछनी है, अप्रूवल ले लो, अकाउंट बना लो, उसके बाद आप बोलो कि मैं इसको अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करते हो। अगर वो अलाउ करेगा तो आपने लिस्ट करना, वरना नहीं करना, वरना आपको आईपी आ जाएगी, फिर आप उस केस में कुछ ले जाओगे, ठीक है। अब कॉन्टेक्टर्स में जाकर मैं बोलूंगा मेरे स्टोर का नाम ये है, मेरी एलएलसी का नाम ये है, मैं यूएसए में इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट बना लो, शॉपिफाई की बना लो, अच्छा इसके ऊपर मैं आपका प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचना चाहता हूँ, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आपके साथ कोलेबोरेशन करना चाहता हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है। ये मैसेज एक मतलब 4-5 लाइनों में आपने लिखना है, उसके बाद नीचे आपने लिख देना है अपना EIN नंबर, LLC नेम, अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, आपका रीसेल सर्टिफिकेट नंबर, और उसके बाद आपने लिख देना है अगर आप यूएसए के रेजिडेंशियल हो, आपने SSN नंबर लिख देना है, या अपना साथ में ड्राइविंग लाइसेंस या कोई पासपोर्ट, इस तरह की कोई चीज दे देनी है। पहली बार में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, पहली बार में, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ये नहीं लिखना कि इतना बड़ा टेम्पलेट बना दिया, मैं फलां कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ, फलां किया, ये किया, वो किया, नहीं, इनको पैसे से गर्ज है, इनको आपकी ऑथेंटिसिटी से गर्ज है, ठीक है। आपने कहना है अपनी LLC के डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं $15 से $20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और मैं अपने इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, पहले सैंपल बाय करके आपका प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। वो आपके साथ अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन हो गया, सारी गेम क्लोज, उसके बाद आपने प्रोडक्ट उठाना है और उसको अमेजोन पे बेचना है, अगर ब्रांड अप्रूवल दे देता है। 100 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 15% ब्रांड अप्रूवल मिलेगा, 85% जो ब्रांड होंगे वो आपको मुंह नहीं लगाएंगे, ये मेरा तजर्बा है। अच्छा, आप फिर सेकेंड ऑप्शन बचता है क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड ऑप्शन इतना अच्छा और इतना सस्ता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इस तरह, इस तरीके से भी हम लोग जो है वो ब्रांड फाइंड कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हैं। देखो ये प्रोडक्ट बिक रहा है 27 का, मुझे इसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है, मैं क्या करूंगा, इसको सर्च करूंगा ईबे के ऊपर, इसको मैं सर्च करूंगा वॉलमार्ट के ऊपर, आपको मैं इसके बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करके दिखाता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पर इसकी रेटिंग जो है मुझे देखनी पड़ेगी, ये प्रोडक्ट यही वाला बिक रहा है, ये तिलपरी ब्रांड है, ये भी तिलपरी ब्रांड है, और ये वाला भी, और उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैंने 4 लिस्टिंग्स मैंने ओपन की, यहाँ पर देखो 694 रेटिंग है और 4.5 स्टार है, ठीक है। यहाँ पर कौन बंदा इसको बेच रहा है, सेलर रिव्यू, अब देखिएगा मुझे यहाँ पर सारे सेलर ओपन करने हैं, जो टॉप रेटेड सेलर होगा मुझे वो भी ओपन करना है, जो लो लेवल का होगा वो भी ओपन करना है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इन दोनों में से जिसकी रेटिंग हाई होगी मैं उस बंदे को कॉन्टेक्ट मिलाऊंगा, ठीक है। अब इस लिस्टिंग की जो रेटिंग है ना वो तकरीबन 694 है, ठीक है, और इसके ऊपर इस टाइम दो सेलर बैठे हुए हैं जो उसको बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल बंदा है वो यहाँ से गायब है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आगे, अब इसको देख लेते हैं, 701 रेटिंग है, इसके ऊपर सेलर जो बैठे हुए हैं,
उनकी रेटिंग क्या है, इसकी रेटिंग फजूल है, 15 रिव्यूज लेकर बैठे हैं, अदर सेलर्स देख लेते हैं। अब इन सारों को ओपन करते जाओ, जिसकी रेटिंग हजारों में होगी ना, जिस सेलर की रेटिंग क्या है, यहाँ पर आप देखो, ये जिसके रिव्यूज 4.5 स्टार होंगे और रेटिंग उसकी हजारों में होगी, वो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। उसका फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट सेलर है, ईमेल, व्हाट्सएप है उसका, सॉरी एड्रेस है उसका, ठीक है। इसको पहले ऑनलाइन अप्रोच करो आप। ऑनलाइन अप्रोच करने के बाद ये आपको एक चीज देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना कैसे है। मैंने ईबे के ऊपर निकाला था, ईबे के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे ईबे के ऊपर ये रहा, इसकी रेटिंग आप देख लो 1200 कुछ है। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मैंने ऑलरेडी यार अभी एक निकाला हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसकी रेटिंग हजारों में थी, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, अल्लाह करे निकल आए। ये देखो, ये कोई और ब्रांड है, ठीक है, ये आई थिंक डॉग फूड है, ठीक है। आप इसका रेट आप देख रहे हो, ये बंदा ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बंदा ईबे के ऊपर सेल कर रहा है, इसकी रेटिंग आप देखो 99.9%, 100 के करीब है, पॉजिटिव रेट है, कितना यूनिट सेल कर चुका है। अभी इसकी हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, देखो तकरीबन 1,84,000 यूनिट ये सोल्ड कर चुका है, और इसके 3.1 फॉलोअर्स हैं, 99% पॉजिटिव फीडबैक है, और ये बंदा ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, इसकी जो कैटेगरीज है यहाँ से वो सारी ओपन कर लूंगा, होम एंड किचन की अगर देखा जाए, ये सारे वन बाय वन आपको देखना है। अब मुझे क्या करना, सिंपल एक काम करूंगा, मैं इससे कॉन्टेक्ट करूंगा, कॉन्टेक्ट करूंगा, इसको बोलूंगा मुझे आपकी शीट चाहिए, आप कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, मुझे आपसे होलसेल रेट के ऊपर प्रोडक्ट बाय करना है, आप मुझे अपनी शीट शेयर कीजिएगा। वो आपको शीट देगा, शीट किस तरह की होगी मैं आपको दिखा देता हूँ, शीट आपसे शेयर करेगा, फिर अभी डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान नहीं हुई, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, अभी उसका जो होगा ना, मैं आपको अभी ईमेल ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, वो शीट है ये वाली, देखिएगा, जब भी किसी बंदे से आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट उठाते हो ना, आप उससे बाय करते हो, तो बाय करने से पहले वो आपको एक शीट देता है जिसमें सारी उसकी इन्वेंट्री होती है, कि कौन सा वाला प्रोडक्ट पड़ा है, कितनी प्राइस पे दे रहा है, कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखिएगा, अब पहला प्रोडक्ट है, बता रहा है वो कितने का है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कितनी प्राइस प्राइस ऑन अमेजोन ये भी बताएगा आपको, और बैक इन स्टॉक कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कितने का वो आपको देगा, ये 3-4 लाइन यहाँ पर लिखी होंगी, या तो वो ASIN नंबर लिख के देगा, या तो UPC कोड लिखा हुआ होगा उसकी शीट के अंदर, इन दोनों में से कोई एक ना एक चीज होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो आप कि ये मल्टीपल जितने भी प्रोडक्ट्स इसके पास हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मैंने ईबे से निकाला था, ईबे से निकालने के बाद आप देख सकते हो जितने भी उसके पास थे, जो जो प्रोडक्ट थी, जो जो, अब ये ब्रांड आप देख रहे हो ब्रेंटवुड के नाम से, ब्रेंटवुड है, किर्कलैंड है उसके पास, ठीक है, किर्कलैंड या कर्कलैंड जो भी है उसकी आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो, ये कर्कलैंड आ गया, ये आ गया, उसके बाद ब्रेंटवुड आ गया, ठीक है। तो एक लिस्टिंग जो है ना, जो हमें वो देता है, एक बहुत बड़ी शीट देता है, उसमें से हम देखते हैं कि इसके पास ज्यादा क्वांटिटी कौन से वाले ब्रांड की है, जो ब्रांड उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा होगा वही ब्रांड नंबर 1 ब्रांड होगा, हम उससे बाय कर लेते हैं, कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी उसके पास ज्यादा पड़ी होगी, जाहिर सी बात है वो ज्यादा बिक रहा होगा, जाहिर सी बात है उसके ऊपर वायलेशन भी नहीं आएगी, वो एक नंबर होगा, उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी वायलेशन भी नहीं होगी, उसके ऊपर रिस्क भी लो होगा, ठीक है, और उसकी प्राइस के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। अब मैं जब इससे पूछता हूँ ना कि यार ये कितने का दे रहे हो, वो बोलेगा अगर आप इसकी 500 क्वांटिटी लेते हो सेम प्राइस पे दूंगा, चाहे 10,000 यूनिट लो चाहे 500 यूनिट लो, प्राइस के ऊपर मैं आपको प्रॉफिट डिस्काउंट नहीं दूंगा, एक ही प्राइस होगी, क्योंकि मुझे पता है अमेजोन पे ये कितने का बिक रहा है, ठीक है। अब ये जो प्राइसेस ऐड की हुई ना, दिस इज माई प्राइसेस, ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, दिस इज नॉट ऑफिशियल फ्रॉम, मतलब के होलसेलर की तरफ से नहीं है ये, या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से नहीं है, इसको मैंने स्कैन किया हुआ है और शीट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर ये ब्रांड है, सपोज करो ये वाला, मैं कोई एक लिस्टिंग बाय करता हूँ, मैं कहता हूँ कितने का है, वो कहता है इसका MOQ 500 यूनिट का है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी 500 यूनिट बाय कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी ले लो, तो मैं अपने बजट के हिसाब से देखता हूँ, होलसेल के लिए बेस्ट है कि आपकी जेब में, मेरे भाई आपकी जेब में $20,000 होना चाहिए, $10,000 से भी कर सकते हो,
लेकिन मिनिमम मिनिमम फुट फाट कर जो है ना आपकी जेब में कम से कम 15,000 डॉलर होना चाहिए। आपका बिजनेस आने वाले दिनों में ना इजीली चमक जाएगा। ठीक है, ये छोटी मोटी इन्वेंट्री ना उठाओ, एक ही प्रोडक्ट उठाओ और 6 महीने बैठकर उसके ऊपर प्रॉफिट देखो कैसे बनता है। प्राइवेट लेबल में 8 महीने लगते हैं आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्ट मिलते हुए। होलसेल में आज बाय करो लगाओ, अगले दिन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने लग जाता है। ठीक है, अच्छा बातें बहुत हो गई, शीट भी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं जो है इससे बाय कैसे करता हूँ, मैं कहता हूँ आप डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिला ईबे से, ईबे से कैसे निकाला मैंने मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन किया हुआ था, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर था मेरे ख्याल से, बिल्कुल। तो मैं इसकी शीट निकालूंगा, देखूंगा कौन से वाला ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है इसके पास, कौन से वाला ब्रांड ज्यादा इसके पास अवेलेबल है, मैं वही वाला लूंगा। उसमें से मुझे पता है ऑथेंटिक होगा, मैं उसके पहले 5 यूनिट उठाऊंगा, यूएसए में किसी भी वेयर हाउस वाले को भेज दूंगा। किसी वेयर हाउस वाले से दोस्ती लगा लो, इजिली दोस्ती हो जाती है। उसको बोलो यार 5 यूनिट आ रहे हैं मेरे, उनको टेस्ट करना है, टेस्ट करेगा उसको कहना खोल करना मुझे वीडियो बनाकर भेज दो ताकि मैं चेक कर लूँ, और एक दो बार किसी बंदे को 50-100 डॉलर दे दो, उससे रिव्यू ले लो, फीडबैक ले लो, टेस्टिंग हो जाती है। यूएसए में कोई ना कोई रिश्ता नाता, कोई ना कोई चाचा मामा गोरा काला निकल आता है, आपका कांटेक्ट मिला हो दोस्तों के साथ निकल आएगा। प्रोडक्ट लो, 5 यूनिट लो, 10 यूनिट लो, पहले टेस्टिंग करो, चेक करो, सैंपल देखो, उसके बाद उसके रिव्यूज पढ़ो, पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ो, नेगेटिव रिव्यूज पढ़ो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलो कि मुझे इस लेवल का प्रोडक्ट चाहिए, अगर दे सकते हो मेरे भाई तो दिस इज गुड, अगर नहीं दे सकते तो मैं कोई और देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपको समझ आ गई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड ईबे से करो या वालमार्ट से करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े सेलर्स मिलते हैं और वो अपना प्रोडक्ट वेयर हाउस में भी सेल कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर क्या नाम है ईबे के ऊपर भी बेच रहे होते हैं, मल्टीपल साइट्स के ऊपर बेच रहे होते हैं, और उनकी रेटिंग 100% होती है, हजारों में होती है, 100% होती है। वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर किसी भी तरह की जो है ना वो ऐसे समझ लो कि 2 नंबर ही बर्दाश्त नहीं करते, या कोई नेगेटिव फीडबैक बर्दाश्त नहीं करते, उनको हमेशा एक नंबर चीज ही बेचनी है और एक नंबर ही मिलता है। अब अगर मैं आपको बताऊं मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के जो मैं बेच रहा हूँ, मैं अपना स्टोर खोलता हूँ और उसके बाद लेक्चर क्लोज करता हूँ, हमारा आखिरी आखिरी पॉइंट है, और कौन से वाला पॉइंट है, प्रोडक्ट इनवाइसिस और अनगेटिंग इनवाइस मैंने आपको दिखा दी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बाय बॉक्स कंपटीशन और अमेजोन अकाउंट हेल्प, ये दोनों चीजें अभी खत्म हो जाएंगी और उसके बाद क्लोज करते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने अकाउंट के ऊपर, दिस इज माई सेलर अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर मैं आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जो जो ब्रांड बेच रहा हूँ उनके मुझे डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ से मिले। मुझे ईबे के ऊपर से मिले, और उसके बाद यूएसए में एक बहुत बड़ी हर साल 2 बार होती है कन्वेंशन, ASD लॉस वेगस, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर भेजो, अपने चाचू को मामू को ठीक है यहाँ पर भेजो, लॉस वेगस ASD, ठीक है इसको हम कहते हैं ASD कन्वेंशन, यहाँ पर भेजो। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं, ये पाकिस्तान में कोई बड़ा गुरु आपको नहीं बताएगा, मैंने मल्टीपल लोग मेरे अपने जो के क्लाइंट्स हैं यूएसए में रहते हैं उनको नहीं पता इस चीज का। ठीक है, ये मुझे, मैं जिन लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से काम कर रहा हूँ बहुत कुछ सीखा मैंने उन लोगों से, शुक्रिया उन लोगों का, और अल्लाह पाक का शुक्र जिसने मुझे इतना दिमाग दिया कि मैं एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ खुद को और नॉलेज ग्रैब करता जा रहा हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये ASD कन्वेंशन दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन यूएसए में होता है। ठीक है, इसको आप देखो, यहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स आए होते हैं, बड़े बड़े होलसेलर आए होते हैं जो बताते हैं कि, अब अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप किसी बंदे को यहाँ पर भेजो, ये 10 मार्च को शुरू हुआ था और 13 मार्च को एंड हुआ था इस साल, अब ये दोबारा अगस्त में होगा, अगस्त 2024 में। आप किसी भी चाचू को भेजो यहाँ पर, किसी भी क्लाइंट को भेजो, वो जाकर विजिट करेगा, उसकी आंखें ऐसे खुल जाएंगी ऐसे कि ये इतने बड़े बड़े यहाँ पर होलसेलर आए हुए दुनिया भर के, हर आइटम आपको होलसेल प्राइस के ऊपर मिलेगा और आपको $3 का, $2.50 का प्रॉफिट होगा, और खड़े खड़े आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा, खड़े खड़े आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिलेगा, खड़े खड़े आपको सब कुछ मिलेगा। मुझे स्टारबक्स का बड़ा होलसेलर यहीं से मिला था, मुझे उसके अलावा ये तिलबरी ब्रांड जो है इसका बड़ा होलसेलर यहीं से मिला था, और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं मैनेज ऑर्डर में, अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं मल्टीपल जो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए व्यू FPA ऑर्डर्स, ठीक है
कॉलगेट का मुझे यहाँ से मिला था, और कैलिफोर्निया ऑलिव ब्रांच का तो मुझे ईबे से मिला था। उसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। नेस्ले का मुझे ईबे से मिला था, और ये जो प्रोडक्ट है ये आई थिंक इसको मैं नहीं जानता, ये मेरे से पहले का लगा होगा, इसका भी हमें ईबे से मिला था। ठीक है, वालमार्ट से भी हम लोग मल्टीपल सप्लायर्स को अप्रोच कर चुके हैं। ये स्टारबक्स है, इसका हमें एएसजी से मिला था, और हमने तकरीबन इसकी इन्वेंट्री जो बाय की थी वो 80,000 यूनिट वन टाइम में बाय किया था, और 80,000 यूनिट की जो प्राइस है तकरीबन कोई 6.5-7 लाख डॉलर के करीब करीब थी, जब हमने सारी बल्क में इन्वेंट्री इसकी उठाई थी, और अपने तकरीबन कोई 20-22 अकाउंट्स के ऊपर ये हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, और उन अकाउंट्स के ऊपर कोई छोटी मोटी वायलेशन आए, हमारे पास लेटर ऑफ अपोलॉजी, इनवॉइसेस, टेम्पलेट, ठीक है, एक ही होलसेलर के, ठीक है, और वो होलसेलर इसी ब्रांड से ऑथराइज्ड है, 15 साल पुराना है, यूएसए में उसकी 2 से 3 बड़ी बड़ी वेयर हाउसेज हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस हैं उसके, जहाँ पर वो मल्टीपल ब्रांड्स बेचता है। ठीक है, ईबे के ऊपर भी है, मैं यहाँ पर अपना प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दूंगा, आई एम सॉरी, आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बाय बॉक्स कंपटीशन। बाय बॉक्स कंपटीशन क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेंट्री आपकी जेब में 15,000 डॉलर है, आप 1 यूनिट लो, 2,000 यूनिट लो, 500 लो, 1,000 लो, आपकी मर्जी है, उसको ऐसे आपने स्केल करना है, एक दिन के 3 ऑर्डर आ जाए इनफ है, इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाय बॉक्स प्राइस क्या है, प्राइस वो रखो जो स्टेबल प्राइस है, जो मैंने आपको एवरेज प्राइस निकालने सिखाई। ठीक है, उसके बाद अकाउंट हेल्थ पे आ जाओ, बस 2 मिनट की कहानी है, उसके बाद लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, अकाउंट हेल्थ अपनी आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरी अकाउंट हेल्थ कितने डिस्टर्ब है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त ये मैं आ गया हूँ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में, और मेरा अकाउंट आप देख सकते हो कितना ज्यादा, यानी कि नोटिफिकेशंस के साथ भरा पड़ा है, कभी तो लिस्टिंग रिमूव, तो कभी नेगेटिव क्लेम, तो कभी क्या, तो कभी क्या, दिस इज आप समझ लो कि 2024 के नोटिफिकेशन है। देखो 2024 में मैंने 11,000+ यूनिट सेल किए, और मुझे अमेजोन के टोटल नोटिफिकेशन जो है ना तकरीबन कोई गिना जाए, यहाँ पर पहले पेज पे कितने नोटिफिकेशन अल्लाह भला करे, तकरीबन कोई 40-50 नोटिफिकेशन ये होंगे, 2 पेज हैं, 2 या 3 पेज पहले 2024 के, मतलब कि 100 नोटिफिकेशन आया है, मैंने 1,000+ यूनिट सेल किए हैं, उनमें से 40 या 50 क्लेम मुझे इस अकाउंट पे लगे हैं, और उनको डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस, डिस्ट्रीब्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं से उनको सॉल्व किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अकाउंट हेल्थ आपको दिखाता हूँ। अकाउंट हेल्थ में आए, यहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी आईपी नजर नहीं आ रही, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है जब हम लोग अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं। उसके बाद है कंडीशन क्लेम, ये कस्टमर से अपोलॉजी लेटर हम उसको सेंड करेंगे, 4-5 उसको रिप्लेसमेंट्स देंगे, उसको एक्स्ट्रा रिफंड करेंगे, अपोलॉजी लेटर से ये रिमूव हो जाएगी। बाकी आप देख रहे हो अकाउंट फिट पड़ा हुआ है, रेटिंग इसकी वीआईपी है, और ये साइड पे जो है ये आपको लेट शिपमेंट रेट, कैंसलेशन रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये है ड्रॉप शिपिंग में, जब आप एफबीएम करते हो तो ये आपका एक हद तक होना चाहिए, ये 95% से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये 2.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये 4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये ऑटो डिफेक्ट रेट क्या है, जितने आपको नेगेटिव क्लेम रसीव होंगे ना ये उसका टोटल बताया जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई ये 1% से अभी नीचे है, ऑटो डिफेक्ट रेट मेरा 1% से नीचे है, 1% से ऊपर गया तो अकाउंट के ऊपर आपके रिस्क आ जाएगा। ठीक है, इसको मैनेज करना है, दिस इज कॉल्ड अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद इनवाइसिस मैंने आपको दिखा दी, इनवाइसिस कैसी होती है, मैं सारी इनवाइसिस नहीं दिखा सकता, क्योंकि दीज आर पेड इनवाइसिस, यू हैव टू पे इफ यू वाना बाय माई कोर्स। ठीक है, 15,000 रुपये नथिंग, ठीक है, आप 15,000 रुपये मीन लाइफ टाइम मेरा कोर्स मेंबरशिप आप ले सकते हो, इसमें जो है जो भी अपडेट आएगी आपको मिलेगी। कोर्स में फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा कोर्स है, इसमें आपको सारी इनवाइसेज, आपको कंप्लीट अमेजोन के तीनों मॉडल्स का आपको कंप्लीट डाटा मिल रहा है, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज प्लस होलसेल। आई हेट अमेजोन प्राइवेट लेबल नाउ डेज बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन अमेजोन इन केस ऑफ प्राइवेट लेबल। ठीक है, इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ लेकिन लिटिल बिट। अच्छा, आगे चलते हैं, अभी बाकी कुछ भी नहीं रह गया, बस इतना सा लेक्चर था हमारा। खैर, मैंने इस पूरे लेक्चर के दौरान पानी नहीं पिया, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने जितना आपसे शेयर किया, आई होप आप आगे लाजमी जरूर शेयर करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हर उस बंदे के साथ शेयर करोगे जो पैसा बनाना चाहता है, जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाकर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 फायदे हुए हैं,
एक तो ये कि आप किसी का अमेजोन का अकाउंट हैंडल कर सकते हो, दूसरा ये आप अपना ब्रांड आप खुद बिल्ड कर सकते हो, अपने अकाउंट के ऊपर अपना प्रोडक्ट खुद खड़ा कर सकते हो। अगर आपकी जेब में 8,000, 10,000, 15,000 डॉलर है, आपके पास नहीं है, जीरो है, आप किसी क्लाइंट को फाइंड करके उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना, उसके लिए आप प्रोडक्ट एनालिसिस करना। एक प्रोडक्ट चेक करने का $5 लेता हूं मैं। मुझे एक महीने की जो शीट आती है, तकरीबन 4-5 शीट्स आती हैं, उनमें तकरीबन एक शीट के अंदर 150-200 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट चेक करने के $5 लेता हूँ महीने का। कितना प्रोडक्ट बन जाता है, आई हैव नो आइडिया। बस मुझे पैसे से मतलब है, 6-7 हज़ार डॉलर मेरा यहीं से बन जाता है। अच्छा, आप भी बना सकते हो जिंदगी में। देखिए, 5 चीजें मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना, प्रोडक्ट लिस्ट करना, प्रोडक्ट अनगेट करवाना, प्रोडक्ट उसके बाद अमेजोन अकाउंट मैनेज करना, अकाउंट हेल्थ मैनेज करना, प्राइस कंपटीशन करना। ये सारी सर्विसेज आप किसी भी क्लाइंट को, किसी गोरे काले को आप दे सकते हो, किसी चाचू मामू को दे सकते हो। उसके बाद आगे आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या फायदा हुआ, आप डॉलर्स में अमेजोन पे पैसा बना सकते हो और आप अमेजोन का सर्विसेज जो है वो किसी भी क्लाइंट को दे सकते हो इजीली। 5 फायदे मैंने बोले, लेकिन मैंने आपको 9 फायदे गिनवा दिए। आप दोबारा से सुन लो, आपको आइडिया हो गया होगा। अब भी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे इससे गर्ज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं, अल्लाह पाक के शुक्र है, मैं इससे डबल ट्रिपल बना लेता हूँ। जितना यूट्यूब मुझे 1 महीने का देता है, मैं 2 दिन में बना लेता हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और उसके बाद वीडियो शेयर कर दो ताकि किसी गरीब की हेल्प हो जाए, किसी का किचन मनी चल जाए। ठीक है, मेरे इस वक्त अगर देखा जाए 22 से 25 स्टोर चल रहे हैं, लेकिन मैं चिल होकर वीडियोज बना रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्टेबल प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं 2 नंबर प्रोडक्ट सेल नहीं करता। मुझे जो थप्पड़ लगा, जो अकल आई है, मेरे 75 अकाउंट सस्पेंड हुए, उसके बाद मैं सीधा हो गया हूँ। मुझे अकल आ गई है कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट सेल नहीं करने। आप भी ऐसा ही चूज करो प्रोडक्ट के जो लाइफ टाइम चले, जो आपको नेक्स्ट टाइम बताए कि हाँ भाई प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी का को कोई सवाल हो, जवाब हो, कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, उसके अलावा कोर्स बाय करना हो या मेरे से कोई कंसल्टेशन कॉल बुक करनी हो तो एक दिन पहले मुझे मैसेज करो, मेरा नंबर आपके सामने है। ये मैं फिर से आपको अपना नंबर दिखा देता हूँ, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे 1-to-1 कॉल के लिए, 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हो। ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, 5 टाइम नमाज पढ़िएगा और अपने लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, आपके प्यारा भाई, आपका दोस्त उसामा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।